हेलो गाइज़ वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है तिरुचित्रम्बलम तो तिरुचित्रम्बलम फिल्म का हिंदी तमिल वर्जन आपको कहाँ पे कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी जाएगी इसके अलावा इस फिल्म का एक डीप रिव्यू किया जाएगा जहाँ पे स्टार कास्ट के परफॉर्मेंसेस के बारे में बातचीत की जाएगी टेक्निकल डिपार्टमेंट म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत की जाएगी इस फिल्म की कहानी के ऊपर प्रॉपर चर्चा की जाएगी साथ ही में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अंत तक जरूर बने रहिएगा तो आज का हमारे वीडियो स्टार्ट करते हैं तिरुचित्र बलम जो दो की इंडियन तमिल लैंग्वेज रोमांटिक फैमिली कॉमेडी ड्रामा फिल्म है इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया है स्क्रीन प्ले डायलॉग डायरेक्शन सभी चीज़ें मिथरन आर जवाहर ने की हुई है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है कालनीथी मारन ने जहाँ पे फिल्म को तीस करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सन पिक्चर्स फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है रेड जैंट मूवीज ने जो तमिल की फिलहाल में एक लीडिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बन रही है और इस फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे धनुष नित्या मेनन इनके अलावा भारती राजा प्रकाश राज राशि खन्ना प्रिया भवानी शंकर मुनिस खांत स्टंट शिवा अर्थंगा नसा इसके अर्थंगा निशा विजय पप्पू ए आर रेवती और रेवती ये सभी लोग आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे तो फिल्म की कुछ प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो ओम प्रकाश ने सिनेमेटोग्राफी की हुई है प्रसन्ना जी के ने एडिटिंग की हुई है जहां पर इस फिल्म को 133 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे तेरह मिनट के देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में अनिरुद्ध रविचंद्र का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग सुनने को मिलेंगे जहाँ पे फिल्म में टोटल पाँच गाने हैं तो इस तरह से ये गाने आपको सुनने को मिल जाएंगे यूट्यूब चैनल के ऊपर इसके अलावा इस फिल्म के अब हम प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो दिसंबर 2019 में सन पिक्चर्स ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट किए हुई थी कि वो एक प्रोजेक्ट साइन किए हुए धनुष के साथ जहाँ पे वो एक फैमिली ड्रामा कॉन्सेप्ट होने वाला है जहाँ पे धनुष पहली बार एस एज अ प्रोड्यूसर एक प्रोजेक्ट में काम करेंगे जहाँ पे सन पिक्चर्स के साथ उन्होंने ऑलरेडी पहले एज अ डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे पडिक कावन अदू कलाम और मफी लाइफ जैसी फिल्मों में काम किया हुआ था और इस फिल्म के डायरेक्टर डायरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे मिथुरन आर जवाहर जिन्होंने इससे पहले यारन डिनी मोहिनी करके 2008 में और उसके बाद में कुट्टी फिल्म को और उत्तमा पुतिरान फिल्म को 2010 में धनुष के साथ डायरेक्ट किया हुआ था तो बताया जा रहा था कि वही इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले लेकिन जैसे ही प्रॉपर डिस्कलोसमेंट हुई तब पता चला कि वही इस फिल्म के डायरेक्टर है वहीं पर अनिरुद्ध रविचंद्र ने अनाउंस किया हुआ था कि वो इस फिल्म का म्यूजिक कंपोज करने वाले अक्टूबर 2020 में फिल्म का जो टाइटल है वो पाँच अगस्त 2021 को अनाउंस किया गया था तिरुचित्रम्बलम बलम जहाँ पे कास्टिंग में पहले तो धनुष के अपोजिट हंसिका मोटवानी को लेने का फैसला लिया जा रहा था मपीलाई फिल्म के बाद जहाँ पे ये रोमर निकल के आई हुई थी लेकिन जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई तब पता चला कि नित्या मेनन ने उनके अपोजिट वहीं पे धनुष के फ्रेंड का कैरेक्टर शोभना का रोल प्ले कर रही एक्ट्रेस को लिए बाद में राशि खन्ना को भी इस फिल्म में लिया गया प्रिया भवानी शंकर को भी लिया गया इसके अलावा ये दो जो लीड एक्टर हैं उनके अपोजिट धनुष के अपोजिट ही कास्ट की गई लेकिन उनके और किरदार थोड़े छोटे प्रकाश राज भारतीय राजा को सपोर्टिंग रोल के लिए बाद में साइन किया गया था और रियल किया गया कि हंसिका मोटवानी नयनतारा समंताना इस फिल्म की इनिशियल चॉइसेस थी लेकिन बाद में इस फिल्म की चॉइसिस को चेंज करते हुए दूसरे एक्ट्रेस को लिया गया बजट को ध्यान में रखते हुए प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है, वो फिल्म की पूजा सेरेमनी के साथ चेन्नई में स्टार्ट की गई थी पाँच अगस्त दो को दस अगस्त को प्रकाश राज ने एक छोटा सा ब्रेक लिया हुआ था इस फिल्म की शूटिंग से सर्जरी के चलते उनको कुछ शोल्डर का फ्रैक्चर हुआ था उस वजह से राशि खन्ना ने इस फिल्म का सेट है चेन्नई में ही ज्वाइन किया हुआ था पच्चीस अगस्त को वहीं पे इस फिल्म के कुछ क्रू मेंबर है जो सॉन्ग्स के सीक्वेंस है उसको पाण्डिचेरी में शूट किया हुआ था चेन्नई के शेड्यूल के बाद कंप्लीट किया था उस शेड्यूल को लेट अगस्त को इस फिल्म के कुछ सुख सिक्वेंस बाकी थे जहाँ पे धनुष और राशि खन्ना के बीच में कुछ सीन शूट हो रहे थे तो वहाँ से कुछ फोटोज लीक हुए थे इंटरनेट के ऊपर जो काफ़ी ज्यादा वायरल हो चुके थे सितंबर में एक सॉन्ग की शूटिंग हुई थी जहाँ पे धनुष और नित्य मेनन को लेकर उस गाने को कम्प्लीट करवाया होता जिसको जानी मास्टर ने कोरियोग्राफ किया हुआ था जिसकी शूटिंग वो आउटस्कर्ट पौंडीचेरी में क्रिएट की हुई थी इस फिल्म के कुछ वहाँ से भी सॉन्ग्स के भी कुछ फुटेज लीक हुई थी वहीं पे इस फिल्म की शूटिंग को पचास इस फिल्म की शूटिंग को पूरी तरह से कंप्लीट करने में करीबन पचास दिन लगे हुए थे और इस फिल्म को अर्ली अक्टूबर 2021 तक कंप्लीट करवाया हुआ था शूट करके बाद में डबिंग मिक्सिंग का, का काम करते हुए 14 फरवरी 2022 से इस फिल्म को काम करवाया गया था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म का जो ओरिजिनल स्कोर है बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स का कंपोजिशन है वो अनिरुद्ध रविचंद्र ने किया हुआ है जहाँ पे वो धनुष के साथ करीबन छः साल के बाद इस फिल्म में म्यूजिक देते हुए नजर आएंगे तो धनुष और उनके बीच में इससे पहले 2015 के थंगा मगन में उन्होंने म्यूजिक दिया हुआ था और ये उनका पांचवा कोलोब्रेशन है धनुष के साथ जहाँ पे उनका पहला कोलॉब्रेशन है फिल्म के डायरेक्टर मित्रन जवाहर के साथ इस फिल्म के लिरसिस्ट थे विवेक जहाँ पे उन्होंने ऑफिशियल अनाउंस की हुई थी कि वो इस फिल्म के गाने को लिरिक्स लिखने वाले बाद में धीरे धीरे अलग अलग लिरिशिस्ट के पास इन गानों को क्रिएट करवाया हुआ है तो टोटल आपको इस फिल्म में पाँच गाने सुनने को मिलेंगे पहला गाना है थाई के लवी जिसके लिरिक्स लिखे हुए धनुष ने सिंगर थे धनुष और एंटनी दसान दूसरा गाना है मेगम कोरकुत्था जिसके लिरिक्स लिखे हुए धनुष ने सिंगर थे धनुष तीसरा गाना है लाइफ ऑफ पलम जिसके लिरिक्स लिखे हुए विवेक ने सिंगर थे निरुद्ध रविचंद्र चौथा गाना है थिनमोली जिसके लिरिक्स लिखे हुए धनुष ने सिंगर थे संतोष नारायण पाँचवा गाना है मै कम कल कम जिसके लिरिक्स लिखे हुए धनुष ने और सिंगर थे धनुष थे इस तरह से टोटल पांच गाने थे जिसकी लेंथ थी बारह मिनट और ये गाने आपको यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली सुनने को मिल जाएंगे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जहाँ पे ये फिल्म के गाने वो ठीक ठाक थे डिसेंट थे जहाँ पे इस फिल्म के गाने उतने मजबूत नहीं थे लेकिन फिल्म काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी बीजेम भी, भी डिसेंट थी फिल्म की अब हम बात करें इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर तो धनुष ने थिरुचित्रम बल्लम जूनियर का रोल प्ले किया हुआ है एलाइस पलम का रोल प्ले किया हुआ है जो शोभना का बेस्ट फ्रेंड है ट्रू लवर है और बाद में उसका हस्बैंड बन जाता है नित्या मेनन ने शोभना का रोल प्ले किया हुआ है जो पलम की बेस्ट फ्रेंड है उसके बाद में उसकी ट्रू लवर बनती है उसके बाद में वो उसकी वाइफ बन जाती है भारती राजा ने सीनियर थिरुचित्रम बलम का रोल प्ले किया हुआ है जो पलम के ग्रांड फादर है वहीं पे प्रकाश राज ने इंस्पेक्टर नीला कंडन का रोल प्ले किया हुआ है जो पलम के फादर है राशि खन्ना अनुषा के रोल में दिखाई देंगी जो पलम की फर्स्ट लव इंटरेस्ट है चाइल्ड स्कूल डेज के टाइम से इसके अलावा प्रिया भवानी शंकर रंजनी के रोल में दिखाई देंगी जो पलम की सेकंड लव इंटरेस्ट है उसके गांव के नेटिव विलेज से इसके अलावा मुसीकांत ने इस फिल्म में सुब्बा राज का रोल प्ले किया हुआ है जो पलम के अंकल है सिरंजनी ने राजेश्वरी का रोल प्ले किया हुआ है जो शोभना की माँ है वहीं स्टंट सिवा को, को इस सिल्वा को इस फिल्म में चाइल्ड किडनेपर का रोल दिया गया है अर्थंगी निशा को इस फिल्म में निशा यानी कि सोभराज की वाइफ का रोल दिया गया है विजय पप्पू ने इस फिल्म में अरविंद का रोल प्ले किया हुआ है जो शोभना के यंग ब्रदर है ए रेवती ने इस फिल्म में पलम की ग्रांड मदर का रोल प्ले किया हुआ है रेवती को इस फिल्म में पलम की मां का रोल दिया गया था जिनका एक कीमी अपीरियंस था तो ये फिल्म की इतनी प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने ये इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं फिल्म की कहानी काफ़ी सिंपल है वहाँ पे जरूर आपको थोड़ा बहुत स्क्रीन प्ले में आपको ट्विस्ट टर्न्स देखने को मिलेंगे लेकिन और फिल्म को काफ़ी सिंपल मैनर में स्क्रीन प्ले में सेट किया हुआ लेकिन स्क्रीन प्ले को जिस तरह से चलाया हुआ है वो मज़बूत था इसके ऊपर जो परफॉर्मेंसेस देखने को मिलती है धनुष की नित्या मेनन की वो काफ़ी शानदार थी सपोर्टिंग आर्टिस्ट ने भी को भी तरीके से इन सभी किरदार को सपोर्ट दिया हुआ है तो ओवरऑल फिल्म की सब जो कास्टिंग है वो काफ़ी परफेक्ट वे में की गई थी उसकी परफॉर्मेंसेस काफ़ी बढ़िया थी डायरेक्शन मित्रन आर जवाहर का देखने को मिलेगा जिन्होंने काफ़ी ऑन दी पॉइंट फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है फिल्म में ऐसा कुछ नयापन तो नहीं है लेकिन जिस तरह से ट्रीटमेंट की हुई है जिस तरह से फिल्म को चलाया हुआ है स्क्रीन प्ले वो सभी चीज़ें फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाती है काफ़ी सारी चीज़ों को एंगेजिंग मैनर में दिखाया हुआ है ऐसा नहीं कि आपने पहले नहीं देखा है देखा हुआ है लेकिन जिस तरह से वो दिखा रहे थे कहानी को सुना रहे थे उनके नरेशन में वो दम नजर आ रहा था जिस वजह से पूरी फिल्म आपको पसंद आएगी फिल्म में कॉमेडी भी देखने को मिलेगी रोमेंस देखने को मिलेगा फैमिली देखने ड्रामा देखने को मिलेगा तो सभी का कॉम्बो काफ़ी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ है डायलॉग्स भी काफ़ी वीटी देखने को मिलते हैं प्रोडक्शन में काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलता है फिल्म के हर एक फ्रेम में काफ़ी बढ़िया तरीके से कुछ काम किया हुआ ऐसा नजर आएगा सिनेमेटोग्राफी काफ़ी अच्छी थी कैमरा वर्क बढ़िया तरीके से देखने को मिलेगा एडिटिंग भी फिल्म की काफ़ी बढ़िया थी क्रिस्प मैनर में की गई थी म्यूजिक की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर अच्छा था लेकिन सॉन्ग्स उतने अप टू द मार्क वाले नहीं सुनने को मिलते इसके अलावा इस फिल्म की जो कलर टोन है कलर ग्रेडिंग है बढ़िया है इसके अलावा फिल्म की कास्टिंग के ऊपर काम जो किया हुआ वो अच्छा है लीड एक्टर्स को जिस तरह से स्टाइलाइज किया हुआ था वो बढ़िया था साथ ही में इस फिल्म के वन लाइनर और भी काफ़ी अच्छी तरीके से डिलीवर किए गए अब बात करें इस फिल्म के रिलीज़ के ऊपर तो अब ये फिल्म ज़रूर देख सकते हो अच्छी खासी फिल्म है अब अब बात कर लेते हैं रिलीज़ के ऊपर 18 अगस्त 2022 को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म को काफ़ी लो एक्सपेक्टेशन के साथ रिलीज़ किया ऐसा मान सकते हैं क्योंकि इस फिल्म का कोई बज नहीं था मार्केट में और धनुष की काफ़ी लंबे समय के बाद ये पहली थिएट्रिकल रिलीज़ थी करीबन एक दो साल से उनकी कोई फिल्म ऐसी थिएटर में प्रॉपर वे में रिलीज़ नहीं हुई थी इससे पहले 2021 में उनकी कर्न फिल्म आई थी उसके बाद जग में थंदीराम फिल्म आई थी 2021 हज़ार इक्कीस में दो हज़ार में अतरंगी रे फिल्म आई थी वहीं पे मारन फिल्म 2022 में आई थी द ग्रे मैन फिल्म आई थी 2022 में तो ये टोटल इस फिल्म पाँच फिल्में आई थी उनकी वो डायरेक्ट ओ के ऊपर स्ट्रीम की गई थी तो ओवरऑल देखा जाए काफी लंबे समय के बाद वो थिएटर में कम करते हुए नज़र आते जहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस के थ्रू जिस तरह से फिल्म को उन्होंने बनाया हुआ है वो काफ़ी दमदार था जहाँ पे 18 अगस्त जब 2022 को फिल्म को रिलीज़ किया गया तब बिना एक्सपेक्टेशन के साथ बहुत कम बस चल रहा था मार्केट में फिल्म को रिलीज़ किया गया लेकिन फिल्म ने जो दमदार कलेक्शन किया हुआ है वो काबिल ले तारीफ है फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ इतना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ निकल के आया जिसके चलते ये फिल्म हर दिन बढ़िया कलेक्शन करती रही और काफ़ी लंबे समय तक काफ़ी लंबा रन लेने के बाद फिल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन करते हुए एक प्रॉफिटेबल वेंचर फिल्म साबित हुई जहाँ पे बॉक्स ऑफिस पे एक ब्लॉकबस्टर का टेग लेने में कामयाब रही इस फिल्म कॉमिडी पे करीबन छत्तीस सौ वोट मिले हुए जिसमें आठ पॉइंट दो की रेटिंग हासिल हुई है दस में से इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म को कितना पॉजिटिव साइड में रिस्पांस मिला हुआ था अब हम बात करें इस फिल्म के बजट के ऊपर तो तीस करोड़ का बजट लगाया हुआ है उसके सामने फिल्म ने धमाका करते हुए बॉक्स ऑफिस पे करीबन सौ करोड़ के आसपास का क्रॉस कलेक्शन किया हुआ सौ करोड़ के ऊपर के आसपास का तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बॉक्स ऑफिस पे 100 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ है फिल्म ने और ये तमिलनाडु की 2022 में जितनी भी फिल्में रिलीज हुई है उसमें वन ऑफ दी हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में से एक फिल्म साबित हुई पहले दिन फिल्म को करीबन 9 करोड़ की ओपनिंग मिली हुई थी धन उसके स्टारडम के हिसाब से उसके बाद में इस फिल्म को डे बाय डे पॉजिटिव रिस्पांस के चलते दूसरे दिन भी अच्छी खासी ओपनिंग मिली तो दो दिनों में इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बीस करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया पहले दिन सिर्फ तमिलनाडु से ही छः करोड़ का कलेक्शन निकल के आया था तीन दिनों का जो कलेक्शन था वीकेंड कलेक्शनों करीबन 33 करोड़ के आसपास का बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन निकल के आया हुआ था और उसके बाद में इस फिल्म ने जिस तरह से जिस कदर कलेक्शन किया वो काबिल तारीफ था उसके बाद में तो इस फिल्म ने पचास करोड़ का भी क्रॉस मार्क हासिल किया उसके बाद में नौवे दिन फिल्म ने करीबन चौंसठ करोड़ तक का ग्रोस कलेक्शन कर लिया था तेरहवें दिन तक फिल्म ने 100 करोड़ का मार्क हासिल करते हुए करीबन 110 करोड़ के ज़्यादा का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन किया और वन ऑफ दी हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म साबित हुई 2022 की तमिल लैंग्वेज के लिए और साथ ही में धनुष के करियर की भी शायद सेकंड या थर्ड हाइस्ट ग्रोसिंग ऐसी फिल्म साबित हुई जिसने सौ करोड़ के पार का कलेक्शन करके दिखाया तो अब इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म कितनी बड़ी हिट साबित हुई थी बॉक्स ऑफिस पर कितना धमाका मचाया था तो अगर आपको अब ये फिल्म देखनी है तो कहाँ पे देख सकते हो उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं इस फिल्म के जो ओ राइट्स है सेटेलाइट राइट्स से, है वो दोनों राइट्स सन नेटवर्क ने अपने पास ही रखे हुए है वही इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं जहाँ पे टीवी के राइट्स तो प्योरली उनके पास है लेकिन ओ राइट्स है वो उन्होंने नेटफ्लिक्स के साथ टाइप किया हुआ है तो ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर और सन नेक्स्ट ये दो ओ टी के ऊपर एक साथ देखने को मिलेगी जहाँ पे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ ये फिल्म के के नाम के साथ तमिल वर्जन में भी देखने को मिलेगी वहीं पे टेलीविजन के ऊपर सन टीवी के टेलीविजन चैनल के ऊपर ये फिल्म तमिल वर्जन में आपको थिरु चित्रम बलम के नाम के साथ बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि इस फिल्म का जो तमिल वर्जन है वो आपको थिरुचित्रम बलम नाम के साथ ओ टी टी प्लेटफॉर्म सन नेक्स्ट एप्लीकेशन और नेटफ्लिक्स के ऊपर एक साथ में देखने को मिलेगी दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर आप इन्जॉय कर पाओगे जहाँ पे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन इस फिल्म को अवेलेबल किया हुआ है वहीं पे हिंदी वर्जन सॉरी वहीं पे इस फिल्म के टेलीविजन वर्जन को सन टीवी के ऊपर आप आप इन्जॉय कर पाओगे वहाँ पर इस फिल्म को थिरुचित्रम बलम नाम के साथ अवेलेबल किया हुआ है तो वहाँ पर फिल्म प्रीमियर करवाई जाएगी बिल्कुल फ्री में हिंदी वर्जन के जो राइट्स है वो शायद तक पता चला हो कि शायद आर के दोगल स्टोरी या गोलमैंस खरीद सकती है लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि गोलमैस के पास इस फिल्म के राइट्स हो सकती है लेकिन अभी तक कोई प्रॉपर कन्फर्मेशन नहीं मिली है लेकिन जैसे ही कन्फर्मेशन मिलेगी वो अपडेट हम आपको दे देंगे लेकिन फिलहाल में ये फिल्म अगर गोलमैस के पास है तो ये फिल्म को जल्दी डब करवाया जाएगा उसके बाद सेंसर करवाया जाएगा उसके बाद में गोलमाइंस के टेलीविजन चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा उसके लंबे समय के बाद ही ये फिल्म आपको यूट्यूब पे ऑफिशियली गोलमाइस के यूट्यूब चैनल के ऊपर हिंदी डब्ड वर्जन में विथ इंग्लिश सब फ्री में देखने को मिलेगी तो इस तरह से थिरुचित्रम बलम फिल्म आपको ऑफिशियली हिंदी तेलुगु दोनों वर्जन में देखने को मिल सकती है थिरुचित्रम बलम जो दो की इंडियन तमिल लैंग्वेज रोमेंटिक फैमिली कॉमेडी ड्रामा फिल्म है इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया है स्क्रीन प्ले डायलॉग डिरेक्शन सभी चीज़ें मिथरन आर जवाहर ने की हुई है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ कालनीथी मारन ने जहाँ पे फिल्म को 30 करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी है सन पिक्चर्स फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है रेड जहेंट मूवीज ने जो तमिल की फिलहाल में एक लीडिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बन रही है और इस फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे धनुष नित्या मेनन इनके अलावा भारती राजा प्रकाश राज राशि खन्ना प्रिया भवानी शंकर मुनिष कांत सृंजनी स्टंट शिवा अर्थंगा नसा इसके अर्थंगा निशा विजय पप्पू ए आर रेवती और रेवती ये सभी लोग आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे तो फिल्म की कुछ प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो ओम प्रकाश ने सिनेमेटोग्राफी की हुई है प्रसन्ना जी के ने एडिटिंग की हुई है जहां पर इस फिल्म को 133 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे तेरह मिनट की देखने को मिलेगी इसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट में अनिरुद्ध रविचंद्र का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग सुनने को मिलेंगे जहाँ पे फिल्म में टोटल पाँच गाने हैं तो इस तरह से ये गाने आपको सुनने को मिल जाएंगे यूट्यूब चैनल के ऊपर इसके अलावा इस फिल्म के अब हम प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो दिसंबर 2019 में सन पिक्चर्स ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट किए हुई थी कि वो एक प्रोजेक्ट साइन किए हुए धनुष के साथ जहाँ पे वो एक फैमिली ड्रामा कॉन्सेप्ट होने वाला है जहाँ पे धनुष पहली बार इस एस एज अ प्रोड्यूसर एक प्रोजेक्ट में काम करेंगे जहाँ पे सन पिक्चर्स के साथ उन्होंने ऑलरेडी पहले एज अ डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे पडिक कावन अदू कलाम और मपी लाइफ जैसी फिल्मों में काम किया हुआ था और इस फिल्म के डायरेक्टर डायरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे मिथ्रन आर जवाहर जिन्होंने इससे पहले यारन डिनी मोहिनी करके 2008 में और उसके बाद में कुट्टी फिल्म को और उत्तमा पुतिरान फिल्म को 2010 में धन के साथ डायरेक्ट किया हुआ था तो बताया जा रहा था कि वही इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले लेकिन जैसे ही प्रॉपर डिस्कलोसमेंट हुई तब पता चला कि वही इस फिल्म के डायरेक्टर है वहीं पर अनिरुद्ध रविचंद्र ने अनाउंस किया हुआ था कि वो इस फिल्म का म्यूजिक कंपोज करने वाले अक्टूबर 2020 में फिल्म का जो टाइटल है वो पाँच अगस्त 2021 को अनाउंस किया गया था तिरुचित्रम्बलम बलम जहाँ पे कास्टिंग में पहले तो धनुष के अपोजिट हंसिका मोटवानी को लेने का फैसला लिया जा रहा था मपीलाई फिल्म के बाद जहाँ पे ये रूमर निकल के आई हुई थी लेकिन जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई तब पता चला कि नित्या मेनन ने उनके अपोजिट वहीं पे धनुष के फ्रेंड का कैरेक्टर शोभना का रोल प्ले कर रही है एक्ट्रेस को लिए बाद में राशि खन्ना को भी इस फिल्म में लिया गया प्रिया भवानी शंकर को भी लिया गया इसके अलावा ये दो जो लीड एक्टर हैं उनके अपोजिट धनुष के अपोजिट ही कास्ट की गई लेकिन उनके और किरदार थोड़े छोटे प्रकाश राज भारती राजा को सपोर्टिंग रोल के लिए बाद में साइन किया गया था और रियल किया गया कि हंसिका मोटवा ने नयन तारा समन्नतारा इस फिल्म की इनिशियल चॉइसिस थी लेकिन बाद में इस फिल्म की चॉइसिस को चेंज करते हुए दूसरे एक्ट्रेस को लिया गया बजट को ध्यान में रखते हुए प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है। वो फिल्म की पूजा सेरेमनी के साथ चेन्नई में स्टार्ट की गई थी पाँच अगस्त दो को दस अगस्त को प्रकाश राज ने एक छोटा सा ब्रेक लिया हुआ था इस फिल्म की शूटिंग से सर्जरी के चलते उनको कुछ शोल्डर का फ्रैक्चर हुआ था उस वजह से राशि खन्ना ने इस फिल्म का सेट है चेन्नई में ही ज्वाइन किया हुआ था पच्चीस अगस्त को वहीं पे इस फिल्म के कुछ क्रू मेंबर है जो सॉन्ग्स के सीक्वेंस है उसको पाण्डिचेरी में शूट किया हुआ था चेन्नई के शेड्यूल के बाद कंप्लीट किया था उस शेड्यूल को लेट अगस्त को इस फिल्म के कुछ सिक्वेंस बाकी थे जहाँ पे धनुष और राशि खन्ना के बीच में कुछ सीन शूट हो रहे थे तो वहाँ से कुछ फोटोज़ लीक हुए थे इंटरनेट के ऊपर जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुके थे सितंबर में एक सॉन्ग शूटिंग हुई थी जहाँ पे धनुष और नित्य मेनन को लेकर उस गाने को कम्प्लीट करवाया हुआ था तो जिसको जानी मास्टर ने कोरियोग्राफ किया हुआ था जिसकी शूटिंग वो आउटस्क्रट पौंडीचेरी में क्रिएट की हुई थी इस फिल्म के कुछ वहां से भी सॉन्ग्स के भी कुछ फुटेज लीक हुई थी वहीं पे इस फिल्म की शूटिंग को पचास इस फिल्म की शूटिंग को पूरी तरह से कंप्लीट करने में करीबन पचास दिन लगे हुए थे और इस फिल्म को अर्ली अक्टूबर 2021 तक कंप्लीट करवाया हुआ था शूट करके बाद में डबिंग मिक्सिंग का, का काम करते हुए 14 फरवरी 2022 से इस फिल्म को काम करवाया गया था म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म का जो ओरिजिनल स्कोर है बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स का कंपोजिशन है वो अनिरुद्ध रविचंद्र ने किया हुआ है जहाँ पर वो धनुष के साथ करीबन छः साल के बाद इस फिल्म में म्यूज़िक देते हुए नजर आएंगे तो धनुष और उनके बीच में इससे पहले दो हज़ार पंद्रह के धनधंगा मगन में उन्होंने म्यूज़िक दिया हुआ था और ये उनका पांचवा कोलोब्रेशन है धनुष के साथ जहाँ पे उनका पहला ग्रो कोलोब्रेशन है फिल्म के डायरेक्टर मित्रन जवाहर के साथ इस फिल्म के लिरिसिस्ट थे विवेक जहाँ पे उन्होंने ऑफिशियल अनाउंस की हुई थी कि वो इस फिल्म के गाने को लिरिक्स लिखने वाले बाद में धीरे धीरे अलग अलग, अलग लिरिसिस्ट के पास इन गानों को क्रिएट करवाया हुआ है तो टोटल आपको इस फिल्म में पांच गाने सुनने को मिलेंगे पहला गाना है था केलवी जिसके लिरिक्स लिखे हुए धनुष ने सिंगर थे धनुष और एंटनी दसान दूसरा गाना है मेघम कोरकुत्था जिसके लिरिक्स लिखे हुए धनुष ने सिंगर थे धनुष तीसरा गाना है लाइफ ऑफ पलम जिसके लिरिक्स लिखे हुए विवेक ने सिंगर थे निरुद्ध रविचंदर चौथा गाना है थिनमोली जिसके लिरिक्स लिखे हुए धनुष ने सिंगर थे संतोष नारायण पाँचवा गाना है मै कम कलाकम जिसके लिरिक्स लिखे हुए धनुष ने और सिंगर थे धनुष थे इस तरह से टोटल पाँच गाने थे जिसके लेंथ थी बारह मिनट और ये गाने आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली सुनने को मिल जाएंगे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जहाँ पे ये फिल्म के गाने वो ठीक ठाक थे डिसेंट थे जहाँ पे इस फिल्म के गाने उतने मज़बूत नहीं थे लेकिन फिल्म काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी बीजेम भी डिसेंट थी फिल्म की अब हम बात करें इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर तो धनुष ने थिरुचित्रम बल्लम जूनियर का रोल प्ले किया हुआ है एलाइस पलम का रोल प्ले किया हुआ है जो शोभना का बेस्ट फ्रेंड है ट्रू लवर है और बाद में उसका हस्बैंड बन जाता है नित्या मेनन ने शोभना का रोल प्ले किया हुआ है जो पलम की बेस्ट फ्रेंड है उसके बाद में उसकी ट्रू लवर बनती है उसके बाद में वो उसकी वाइफ बन जाती है भारती राजा ने सीनियर थिरुचित्रम पलम का रोल प्ले किया हुआ है जो पलम के ग्रांड फादर है वहीं पे प्रकाश राज ने इंस्पेक्टर नीला का रोल प्ले किया हुआ है जो पलम के फादर है राशि खन्ना अनुषा के रोल में दिखाई देंगी जो पलम की फर्स्ट लव इंटरेस्ट है चाइल्ड स्कूल डेज के टाइम से इसके अलावा प्रिया भवानी शंकर रंजनी के रोल में दिखाई देंगी जो पलम की सेकंड लव इंटरेस्ट है उसके गांव के नेटिव विलेज से इसके अलावा कांत ने इस फिल्म में सुब्बा राज का रोल प्ले किया हुआ है जो पलम के अंकल है सिरंजनी ने राजेश्वरी का रोल प्ले किया है जो शोभना की माँ है वहीं पिस्टान सिवा को इस को इस फिल्म में चाइल्ड किडनेपर का रोल दिया गया है अर्थंगी निशा को इस फिल्म में निशा यानी कि शोभराज की वाइफ का रोल दिया गया है विजय पप्पू ने इस फिल्म में अरविंद का रोल प्ले किया हुआ है जो शोभना के यंग ब्रदर है ए रेवती ने इस फिल्म में पलम की ग्रांड मदर का रोल प्ले किया हुआ है रेवती को इस फिल्म में पलम की माँ का रोल दिया गया था जिनका एक कीमी अपीरियंस था तो ये फिल्म की इतनी प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने ये इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं फिल्म की कहानी काफ़ी सिंपल है वहाँ पे ज़रूर आपको थोड़ा बहुत स्क्रीन प्ले में आपको ट्विस्ट ट्विस्टांस देखने को मिलेंगे लेकिन और फिल्म को काफ़ी सिंपल मैनर में स्क्रीन प्ले में सेट किया हुआ है लेकिन स्क्रीन प्ले को जिस तरह से चलाया हुआ है वो मज़बूत था इसके ऊपर जो परफॉर्मेंसेस देखने को मिलती है धनुष की नित्या मेनन की वो काफ़ी शानदार थी सपोर्टिंग आर्टिस्ट ने भी बेकवा को भी तरीके से इन सभी किरदार को सपोर्ट दिया हुआ है तो ओवरऑल फिल्म की सब जो कास्टिंग है वो काफ़ी परफेक्ट वे में की गई थी उसकी परफॉर्मेंसेस काफ़ी बढ़िया थी डायरेक्शन मित्रन न जवाहर का देखने को मिलेगा जिन्होंने काफ़ी ऑन दी पॉइंट फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है फिल्म ऐसा कुछ नयापन तो नहीं है लेकिन जिस तरह से ट्रीटमेंट की हुई है जिस तरह से फिल्म को चलाया हुआ है स्क्रीन प्ले वो सभी चीज़ें फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाती है काफ़ी सारी चीज़ों को एंगेजिंग मैनर में दिखाया हुआ है ऐसा नहीं कि आपने पहले नहीं देखा है देखा हुआ है लेकिन जिस तरह से वो दिखा रहे थे कहानी को सुना रहे थे उनके नरेशन में वो दम नज़र आ रहा था जिस वजह से पूरी फिल्म आपको पसंद आएगी फिल्म में कॉमेडी भी देखने को मिलेगी रोमेंस देखने को मिलेगा फैमिली देखने ड्रामा देखने को मिलेगा तो सभी का कॉम्बो काफ़ी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ है डायलॉग्स भी वी काफ़ी वीटी देखने को मिलते हैं प्रोडक्शन में काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलता है फिल्म के हर एक फ्रेम में काफ़ी बढ़िया तरीके से कच काम किया हुआ ऐसा नज़र आएगा सिनेमेटोग्राफी काफ़ी अच्छी थी कैमरा वर्क बढ़िया तरीके से देखने को मिलेगा एडिटिंग भी फिल्म की काफ़ी बढ़िया थी नर में की गई थी म्यूजिक की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर अच्छा था लेकिन सॉन्ग्स उतने अप टू द मार्क वाले नहीं सुनने को मिलते इसके अलावा इस फिल्म की जो कलर टोन है कलर ग्रेडिंग है बढ़िया है इसके अलावा फिल्म की कास्टिंग के ऊपर काम जो किया हुआ है वो अच्छा है लीड एक्टर्स को जिस तरह से स्टाइलाइज किया हुआ था वो बढ़िया था साथ ही में इस फिल्म के वन लाइनर पंचज भी काफ़ी अच्छी तरीके से डिलीवर किए गए अब बात करें इस फिल्म के रिलीज़ के ऊपर तो अब ये फिल्म ज़रूर देख सकते हो अच्छी खासी फिल्में अब अब बात कर लेते हैं रिलीज़ के ऊपर 18 अगस्त 2022 को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जहां पे इस फिल्म को काफ़ी लो एक्सपेक्टेशन के साथ रिलीज़ किया ऐसा मान सकते क्योंकि इस फिल्म का कोई बज नहीं था मार्केट में और धनुष की काफ़ी लंबे समय के बाद ये पहली थिएट्रिकल रिलीज़ थी करीबन एक दो साल से उनकी कोई फिल्म ऐसी थिएटर में प्रॉपर वे में रिलीज़ नहीं हुई थी इससे पहले 2021 में उनकी कर्नल फिल्म आई थी उसके बाद जग में थंदेराम फिल्म आई थी 2021 हज़ार इक्कीस में दो हज़ार में अतरंगी रे फिल्म आई थी वहीं पे मारन फिल्म 2022 में आई थी द ग्रे मैन फिल्म आई थी 2022 में तो ये टोटल इस फिल्म पाँच फिल्में आई थी उनकी वो डायरेक्ट ओ के ऊपर स्ट्रीम की गई थी तो ओवरऑल देखा जाए काफ़ी लंबे समय के बाद वो थिएटर में कम करते हुए नज़र आते जहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस के थ्रू जिस तरह से फिल्म को उन्होंने बनाया हुआ है वो काफ़ी दमदार था जहाँ पे 18 अगस्त जब 2022 को फिल्म को रिलीज़ किया गया तब बिना एक्सपेक्टेशन के साथ बहुत कम बस चल रहा था मार्केट में फिल्म को रिलीज़ किया गया लेकिन फिल्म ने जो दमदार कलेक्शन किया हुआ है वो काबिल ले तारीफ है फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ इतना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ निकल के आया है जिसके चलते ये फिल्म हर दिन बढ़िया कलेक्शन करती रही और काफ़ी लंबे समय तक काफ़ी लंबा रन लेने के बाद फिल्म में काफ़ी बढ़िया कलेक्शन करते हुए एक प्रॉफिटेबल वेंचर फिल्म साबित हुई जहाँ पे बॉक्स ऑफिस पे एक ब्लॉकबस्टर का टेग लेने में कामयाब रही इस फिल्म को एम डी पे करीबन छत्तीस सौ वोट मिले हुए जिसमें आठ पॉइंट दो की रेटिंग हासिल हुई है दस में से इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म को कितना पॉजिटिव साइड में रिस्पांस मिला हुआ था अब हम बात करें इस फिल्म के बजट के ऊपर तो तीस करोड़ का बजट लगाया हुआ है उसके सामने फिल्म ने धमाका करते हुए बॉक्स ऑफिस पे करीबन सौ करोड़ के आसपास का क्रॉस कलेक्शन किया हुआ है सौ करोड़ के ऊपर के आसपास का तो इसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बॉक्स ऑफिस पे 100 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ है फिल्म ने और ये तमिलनाडु की 2022 में जितनी भी फिल्में रिलीज़ हुई है उसमें वन ऑफ दी हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में से एक फिल्म साबित हुई पहले दिन फिल्म को करीबन नौ करोड़ की ओपनिंग मिली हुई थी धनुष के स्टारडम के हिसाब से उसके बाद में इस फिल्म को डे बाय डे पॉजिटिव रिस्पांस के चलते दूसरे दिन भी अच्छी खासी ओपनिंग मिली तो दो दिनों में इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बीस करोड़ का क्रॉस कलेक्शन किया पहले दिन सिर्फ तमिलनाडु से ही छः करोड़ का कलेक्शन निकल के आया था तीन दिनों का जो कलेक्शन था वीकेंड कलेक्शन वो करीबन तैंतीस करोड़ के आसपास का बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन निकल के आया हुआ था और उसके बाद में इस फिल्म ने जिस तरह से जिस कदर कलेक्शन किया वो काबिल तारीफ था उसके बाद में तो इस फिल्म ने पचास करोड़ का भी क्रॉस मार्क हासिल किया उसके बाद में नौवे दिन फिल्म ने करीबन चौंसठ करोड़ तक का ग्रोस कलेक्शन कर लिया था तेरहवें दिन तक फिल्म ने सौ करोड़ का मार्क हासिल करते हुए करीबन एक सौ दस करोड़ के ज़्यादा का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन किया और वन ऑफ दी हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म साबित हुई दो हज़ार बाईस की तमिल लैंग्वेज के लिए और साथ ही में धनुष के करियर की भी शायद सेकेंड या थर्ड हाइस्ट ग्रोसिंग ऐसी फिल्म साबित हुई जिसने सौ करोड़ के पार का कलेक्शन करके दिखाया तो अब इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म कितनी बड़ी हिट साबित हुई थी बॉक्स ऑफिस पर कितना धमाका मचाया था तो अगर आपको अब ये फिल्म देखनी है तो कहाँ पे देख सकते हो उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं इस फिल्म के जो ओ टी राइट्स है सैटेलाइट राइट्स है वो दोनों राइट्स सन नेटवर्क ने अपने पास ही रखे हुए हैं वही इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं जहाँ पे टीवी के राइट्स तो प्योरली उनके पास है लेकिन ओ टी टी राइट्स है वो उन्होंने नेटफ्लिक्स के साथ टाइप किया हुआ है तो ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर और सन नेक्स्ट ये दो ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर एक साथ देखने को मिलेगी जहाँ पे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन ये फिल्म थिरु चित्रम्बलम के नाम के साथ तमिल वर्जन में भी इंग्लिश सबटाइटल देखने को मिलेगी वहीं पे टेलीविज़न के ऊपर सन टीवी के टेलीविज़न चैनल के ऊपर ये फिल्म तमिल वर्जन में आपको थिरु चित्रम्बलम के नाम के साथ बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि इस फिल्म का जो तमिल वर्जन है वो आपको थिरुचित्रम बलम नाम के साथ ओ टी टी प्लेटफॉर्म सन नेक्स्ट एप्लीकेशन और नेटफ्लिक्स के ऊपर एक साथ में देखने को मिलेगी दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर आप इन्जॉय कर पाओगे जहाँ पे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन इस फिल्म को अवेलेबल किया हुआ है वहीं पे हिंदी वर्जन सॉरी वहीं पे इस फिल्म के टेलीविजन वर्जन को सन टीवी के ऊपर आप आप इन्जॉय कर पाओगे वहाँ पे इस फिल्म को थिरुचित्रम बलम नाम के साथ अवेलेबल किया हुआ है तो वहाँ पर फिल्म प्रीमियर करवाई जाएगी बिल्कुल फ्री में हिंदी वर्जन के जो राइट्स है वो शायद तक पता चला हो कि शायद आर के दोगल स्टोरी या गोलमैंस खरीद सकती है लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि गोलमैंस के पास इस फिल्म के राइट्स हो सकती है लेकिन अभी तक कोई प्रॉपर कन्फर्मेशन नहीं मिली है लेकिन जैसे ही कन्फर्मेशन मिलेगी वो अपडेट हम आपको दे देंगे लेकिन फिलहाल में ये फिल्म अगर गोलमैंस के पास है तो ये फिल्म को जल्दी डब करवाया जाएगा उसके बाद सेंसर करवाया जाएगा उसके बाद में गोलमाइंस के टेलीविजन चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा उसके लंबे समय के बाद ही ये फिल्म आपको यूट्यूब पे ऑफिशियली गोलम्स के यूटूब चैनल के ऊपर हिंदी डप्ट वर्जन में भी इंग्लिश सब फ्री में देखने को मिलेगी तो इस तरह से थिरुचित्रम बलम फिल्म आपको ऑफिशियली हिंदी तेलुगु दोनों वर्जन में देखने को मिल सकती है थिरुचित्र बलम जो दो की इंडियन तमिल लैंग्वेज रोमेंटिक फैमिली कॉमेडी ड्रामा फिल्म है इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया है स्क्रीन प्ले डायलॉग डायरेक्शन सभी चीज़ें मिथरन आर जवाहर ने की हुई है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है कालनीथी मारन ने जहाँ पर फिल्म को तीस करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सन पिक्चर्स फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है रेड जैंट मूवीज ने जो तमिल की फिलहाल में एक लीडिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बन रही है और इस फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे धनुष नित्या मेनन इनके अलावा भारती राजा प्रकाश राज राशि खन्ना प्रिया भवानी शंकर मुनिस कांत सृंजनी स्टंट सिवा अर्थंगा नसा इसके अर्थंगा निशा विजय पप्पू ए आर रेवती और रेवती ये सभी लोग आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे तो फिल्म की कुछ प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो ओम प्रकाश ने सिनेमेटोग्राफी की हुई है प्रसन्ना जी के ने एडिटिंग की हुई है जहाँ पे इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे तेरह मिनट के देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में अनिरुद्ध रविचंद्र का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग सुनने को मिलेंगे जहाँ पे फिल्म में टोटल पाँच गाने हैं तो इस तरह से ये गाने आपको सुनने को मिल जाएंगे यूट्यूब चैनल के ऊपर इसके अलावा इस फिल्म के अब हम प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो दिसंबर 2019 में सन पिक्चर्स ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट किए हुई थी कि वो एक प्रोजेक्ट साइन किए हुए धनुष के साथ जहाँ पे वो एक फैमिली ड्रामा कॉन्सेप्ट होने वाला है जहाँ पे धनुष पहली बार इस एस एज अ प्रोड्यूसर एक प्रोजेक्ट में काम करेंगे जहाँ पे सन पिक्चर्स के साथ उन्होंने ऑलरेडी पहले एज अ डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे पडिक कावन अदू और मफी लाइफ जैसी फिल्मों में काम किया हुआ था और इस फिल्म के डायरेक्टर डायरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे मिथरन आर जवाहर जिन्होंने इससे पहले यारन डिनी मोहिनी करके 2008 में और उसके बाद में कुट्टी फिल्म को और उत्तमा पुतिरान फिल्म को 2010 में धन उसके साथ डायरेक्ट किया हुआ था तो बताया जा रहा था कि वही इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले लेकिन जैसे ही प्रॉपर डिस्कलोसमेंट हुई तब पता चला कि वही इस फिल्म के डायरेक्टर है वहीं पर अनिरुद्ध रविचंद्र ने अनाउंस किया हुआ था कि वो इस फिल्म का म्यूजिक कंपोज करने वाले अक्टूबर 2020 में फिल्म का जो टाइटल है वो पाँच अगस्त 2021 को अनाउंस किया गया था तिरुचित्रम बलम जहाँ पे कास्टिंग में पहले तो धनुष के अपोजिट हंसिका मोटवानी को लेने का फैसला लिया जा रहा था मपीलाई फिल्म के बाद जहाँ पे ये रोमर निकल के आई हुई थी लेकिन जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई तब पता चला कि नित्या मेनन है उनके अपोजिट वहीं पे धनुष के फ्रेंड का कैरेक्टर शोभना का रोल प्ले कर रही है एक्ट्रेस को लिए बाद में राशि खन्ना को भी इस फिल्म में लिया गया प्रिया भवानी शंकर को भी लिया गया इसके अलावा ये दो जो लीड एक्टर हैं उनके अपोजिट धनुष के अपोजिट ही कास्ट की गई लेकिन उनके और किरदार थोड़े छोटे प्रकाश राज भारती राजा को सपोर्टिंग रोल के लिए बाद में साइन किया गया था और रियल किया गया कि हंसिका मोटवानी नयनतारा समंताना इस फिल्म की इनिशियल चॉइसिस थी लेकिन बाद में इस फिल्म की चॉइसेस को चेंज करते हुए दूसरी एक्ट्रेस को लिया गया बजट को ध्यान में रखते हुए प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो फिल्म की पूजा सेरेमनी के साथ चेन्नई में स्टार्ट की गई थी पाँच अगस्त दो को दस अगस्त को प्रकाश राज ने एक छोटा सा ब्रेक लिया हुआ था इस फिल्म की शूटिंग से सर्जरी के चलते उनको कुछ शोल्डर का फ्रैक्चर हुआ था उस वजह से राशि खन्ना ने इस फिल्म का सेट है चेन्नई में ही ज्वाइन किया हुआ था पच्चीस अगस्त को वहीं पे इस फिल्म के कुछ क्रू मेंबर है जो सॉन्ग्स के सीक्वेंस है उसको पाण्डिचेरी में शूट किया हुआ था चेन्नई के शेड्यूल के बाद कंप्लीट किया था उस शेड्यूल को लेट अगस्त को इस फिल्म के कुछ सुख सिक्वेंस बाकी थे जहाँ पे धनुष और राशि खन्ना के बीच में कुछ सीन शूट हो रहे थे तो वहाँ से कुछ फ़ोटोज़ लीक हुए थे इंटरनेट के ऊपर जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुके थे सितंबर में एक सॉन्ग की शूटिंग हुई थी जहाँ पे धनुष और नित्य मेनन को लेकर उस गाने को कंप्लीट करवाया हुआ था तो जिसको जानी मास्टर ने कोरियोग्राफ किया हुआ था जिसकी शूटिंग वो आउटस्क्रट पौंडीचेरी में क्रिएट की हुई थी इस फिल्म के कुछ वहाँ से भी सॉन्ग्स के भी कुछ फुटेज लीक हुई थी वहीं पे इस फिल्म की शूटिंग को पचास इस फिल्म की शूटिंग को पूरी तरह से कंप्लीट करने में करीबन पचास दिन लगे हुए थे और इस फिल्म को अर्ली अक्टूबर 2021 तक कंप्लीट करवाया हुआ था शूट करके बाद में डबिंग मिक्सिंग का, का काम करते हुए 14 फरवरी 2022 से इस फिल्म को काम करवाया गया था म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म का जो ओरिजिनल स्कोर है बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स का कंपोजिशन है वो अनिरुद्ध रविचंद्र ने किया हुआ है जहाँ पे वो धनुष के साथ करीबन छः साल के बाद इस फिल्म में म्यूज़िक देते हुए नजर आएंगे तो धनुष और उनके बीच में इससे पहले दो हज़ार पंद्रह के धनधंगा मगन में उन्होंने म्यूज़िक दिया हुआ था और ये उनका पांचवा कोलोब्रेशन है धनुष के साथ जहाँ पे उनका पहला ग्रो कोलाब्रेशन है फिल्म के डायरेक्टर मित्रन जवाहर के साथ इस फिल्म के लिरिसिस्ट थे विवेक जहाँ पे उन्होंने ऑफिशियल अनाउंस की हुई थी कि वो इस फिल्म के गाने को लिरिक्स लिखने वाले बाद में धीरे धीरे अलग अलग, अलग लिरिसिस्ट के पास इन गानों को क्रिएट करवाया हुआ है तो टोटल आपको इस फिल्म में पांच गाने सुनने को मिलेंगे पहला गाना है थाई के लवी जिसके लिरिक्स लिखे हुए धनुष ने सिंगर थे धनुष और एंटनी दसान दूसरा गाना है मेगम कोरकुत्ता जिसके लिरिक्स लिखे हुए धनुष ने सिंगर थे धनुष तीसरा गाना है लाइफ ऑफ पलम जिसके लिरिक्स लिखे हुए विवेक ने सिंगर थे निरुद्ध रविचंद्र चौथा गाना है थिनमोली जिसके लिरिक्स लिखे हुए धनुष ने सिंगर थे संतोष नारायण पांचवां गाना है मैकम कलकम जिसके लिरिक्स लिखे हुए धनुष ने और सिंगर थे धनुष थे इस तरह से टोटल पाँच गाने थे जिसकी लेंथ थी बारह मिनट और ये गाने आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली सुनने को मिल जाएंगे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जहाँ पे ये फिल्म के गाने वो ठीक ठाक थे डिसेंट थे जहाँ पे इस फिल्म के गाने उतने मजबूत नहीं थे लेकिन फिल्म काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी बीजेम भी रिसेंट थी फिल्म की अब हम बात करें इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर तो धनुष ने थिरुचित्रम बल्लम जूनियर का रोल प्ले किया हुआ है एलाइस पलम का रोल प्ले किया हुआ है जो शोभना का बेस्ट फ्रेंड है ट्रू लवर है और बाद में उसका हस्बैंड बन जाता है नित्या मेनन ने शोभना का रोल प्ले किया हुआ है जो पलम की बेस्ट फ्रेंड है उसके बाद में उसकी ट्रू लवर बनती है उसके बाद में वो उसकी वाइफ बन जाती है भारती राजा ने सीनियर तिरुचित्रम पलम का रोल प्ले किया हुआ है जो पलम के ग्रांड फादर है वहीं पे प्रकाश राज ने इंस्पेक्टर नीला का रोल प्ले किया हुआ है जो पलम के फादर है राशि खन्ना अनुषा के रोल में दिखाई देंगी जो पलम की फर्स्ट लव इंटरेस्ट है चाइल्ड स्कूल डेज के टाइम से इसके अलावा प्रिया भवानी शंकर रंजनी के रोल में दिखाई देंगी जो पलम की सेकंड लव इंटरेस्ट है उसके गांव के नेटिव विलेज से इसके अलावा कांत ने इस फिल्म में सुब्बा राज का रोल प्ले किया हुआ है जो पलम के अंकल है सिरंजनी ने राजेश्वरी का रोल प्ले किया हुआ है जो शोभना की माँ है वहीं पिस्टान सिवा को इस को इस फिल्म में चाइल्ड किडनेपर का रोल दिया गया है अर्थंगी निशा को इस फिल्म में निशा यानी कि सोभराज की वाइफ का रोल दिया गया है विजय पप्पू ने इस फिल्म में अरविंद का रोल प्ले किया हुआ है जो शोभना के यंग ब्रदर है ए रेवती ने इस फिल्म में पलम की ग्रांड मदर का रोल प्ले किया हुआ है रेवती को इस फिल्म में पलम की मां का रोल दिया गया था जिनका एक केमी अपीरियंस था तो ये फिल्म की इतनी प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने ये इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं फिल्म की कहानी काफ़ी सिंपल है वहाँ पे ज़रूर आपको थोड़ा बहुत स्क्रीन प्ले में आपको ट्विस्ट डांस देखने को मिलेंगे लेकिन और फिल्म को काफ़ी सिंपल मैनर में स्क्रीन प्ले में सेट किया हुआ लेकिन स्क्रीन प्ले को जिस तरह से चलाया हुआ है वो मजबूत था इसके ऊपर जो परफॉर्मेंसेस देखने को मिलती है धनुष की नित्या मेनन की वो काफ़ी शानदार थी सपोर्टिंग आर्टिस्ट ने भी को भी तरीके से इन सभी किरदार को सपोर्ट दिया हुआ है तो ओवरऑल फिल्म की सब जो कास्टिंग है वो काफ़ी परफेक्ट वे में की गई थी उसकी परफॉर्मेंसेस काफ़ी बढ़िया थी डायरेक्शन मित्रन आर जवाहर का देखने को मिलेगा जिन्होंने काफ़ी ऑन दी पॉइंट फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है फिल्म ऐसा कुछ नयापन तो नहीं है लेकिन जिस तरह से ट्रीटमेंट की हुई है जिस तरह से फिल्म को चलाया हुआ है स्क्रीन प्ले है। वो सभी चीज़ें फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाती है काफ़ी सारी चीज़ों को एंगेजिंग मैनर में दिखाया हुआ है ऐसा नहीं कि आपने पहले नहीं देखा है देखा हुआ है लेकिन जिस तरह से वो दिखा रहे थे कहानी को सुना रहे थे उनके नरेशन में वो दम नज़र आ रहा था जिस वजह से पूरी फिल्म आपको पसंद आएगी फिल्म में कॉमेडी भी देखने को मिलेगी रोमेंस देखने को मिलेगा फैमिली देखने ड्रामा देखने को मिलेगा तो सभी का कॉम्बो काफ़ी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ है डायलॉग्स भी काफ़ी वीटी देखने को मिलते हैं प्रोडक्शन में काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलता है फिल्म के हर एक फ्रेम में काफ़ी बढ़िया तरीके से कच काम किया हुआ ऐसा नज़र आएगा सिनेमेटोग्राफी काफ़ी अच्छी थी कैमरा वर्क बढ़िया तरीके से देखने को मिलेगा एडिटिंग भी फिल्म की काफ़ी बढ़िया थी क्रिस्प मैनर में की गई थी म्यूज़िक की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर अच्छा था लेकिन सॉन्ग्स उतने अप टू द मार्क वाले नहीं सुनने को मिलते इसके अलावा इस फिल्म की जो कलर टोन है कलर ग्रेडिंग है बढ़िया है इसके अलावा फिल्म की कास्टिंग के ऊपर काम जो किया हुआ है वो अच्छा है लीड एक्टर्स को जिस तरह से स्टाइल किया हुआ था वो बढ़िया था साथ ही में इस फिल्म के वन लाइनर और भी काफ़ी अच्छी तरीके से डिलीवर किए गए अब बात करें इस फिल्म के रिलीज़ के ऊपर तो अब ये फिल्म ज़रूर देख सकते हो अच्छी खासी फिल्में अब अब बात कर लेते हैं रिलीज़ के ऊपर 18 अगस्त 2022 को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जहां पे इस फिल्म को काफ़ी लो एक्सपेक्टेशन के साथ रिलीज़ किया ऐसा मान सकते हैं क्योंकि इस फिल्म का कोई बज नहीं था मार्केट में और धनुष की काफ़ी लंबे समय के बाद ये पहली थिएट्रिकल रिलीज़ थी करीबन एक दो साल से उनकी कोई फिल्म ऐसी थिएटर में प्रॉपर वे में रिलीज़ नहीं हुई थी इससे पहले 2021 में उनकी कर्न फिल्म आई थी उसके बाद जग में थन्देराम फिल्म आई थी 2021 हज़ार इक्कीस में दो हज़ार इक्कीस में अतरंगी रे फिल्म आई थी वहीं पे मारन फिल्म 2022 में आई थी द ग्रे मैन फिल्म आई थी 2022 में तो ये टोटल इस फिल्म पाँच फिल्में आई थी उनकी वो डायरेक्ट ओ के ऊपर स्ट्रीम की गई थी तो ओवरऑल देखा जाए काफी लंबे समय के बाद वो थिएटर में कम करते हुए नजर आते जहाँ पे उनकी ये परफॉर्मेंस इसके थ्रू जिस तरह से फिल्म को उन्होंने बनाया हुआ है वो काफ़ी दमदार था जहाँ पे 18 अगस्त जब 2022 को फिल्म को रिलीज़ किया गया तब बिना एक्सपेक्टेशन के साथ बहुत कम बस चल रहा था मार्केट में फिल्म को रिलीज़ किया गया लेकिन फिल्म ने जो दमदार कलेक्शन किया हुआ है वो काफ़ी तारीफ है फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ इतना स्ट्रॉग पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ निकल के आया है जिसके चलते ये फिल्म हर दिन बढ़िया कलेक्शन करती रही और काफ़ी लंबे समय तक काफ़ी लंबा रन लेने के बाद फिल्म में काफ़ी बढ़िया कलेक्शन करते हुए एक प्रॉफिटेबल वेंचर फिल्म साबित हुई जहाँ पे बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर का टेग लेने में कामयाब रही इस फिल्म को आई पे करीबन छत्तीस सौ वोट मिले हुए जिसमें आठ पॉइंट दो की रेटिंग हासिल हुई है दस में से इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म को कितना पॉजिटिव साइड में रिस्पांस मिला हुआ था अब हम बात करें इस फिल्म के बजट के ऊपर तो तीस करोड़ का बजट लगाया हुआ है उसके सामने फिल्म ने धमाका करते हुए बॉक्स ऑफिस पे करीबन सौ करोड़ के आसपास का क्रॉस कलेक्शन किया हुआ है सौ करोड़ के ऊपर के आसपास का तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बॉक्स ऑफिस पे 100 करोड़ का ग्रोथ कलेक्शन किया हुआ है फिल्म ने और ये तमिलनाडु की 2022 में जितनी भी फिल्में रिलीज़ हुई है उसमें वन ऑफ दी हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में से एक फिल्म साबित हुई पहले दिन फिल्म को करीबन 9 करोड़ की ओपनिंग मिली हुई थी धनुष के स्टारडम के हिसाब से उसके बाद में इस फिल्म को डे बाय डे पॉजिटिव रिस्पांस के चलते दूसरे दिन भी अच्छी खासी ओपनिंग मिली तो दो दिनों में इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बीस करोड़ का क्रॉस कलेक्शन किया पहले दिन सिर्फ तमिलनाडु से ही छः करोड़ का कलेक्शन निकल के आया था तीन दिनों का जो कलेक्शन था वीकेंड कलेक्शन करीबन तैंतीस करोड़ के आसपास का बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन निकल के आया हुआ था और उसके बाद में इस फिल्म ने जिस तरह से जिस कदर कलेक्शन किया वो काबिल तारीफ था उसके बाद में तो इस फिल्म ने पचास करोड़ का भी क्रॉस मार्क हासिल किया उसके बाद में नौवे दिन फिल्म ने करीबन चौंसठ करोड़ तक का ग्रोस कलेक्शन कर लिया था तेरहवें दिन तक फिल्म ने सौ करोड़ का मार्क हासिल करते हुए करीबन एक सौ दस करोड़ के ज़्यादा का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन किया और वन ऑफ दी हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म साबित हुई दो हज़ार बाईस की तमिल लैंग्वेज के लिए और साथ ही में धनुष के करियर की भी शायद सेकेंड या थर्ड हाइस्ट ग्रोसिंग ऐसी फिल्म साबित हुई जिसने सौ करोड़ के पार का कलेक्शन करके दिखाया तो अब इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह फिल्म कितनी बड़ी हिट साबित हुई थी बॉक्स ऑफिस पे कितना धमाका मचाया था तो अगर आपको अब ये फिल्म देखनी है तो कहाँ पे देख सकते हो उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं इस फिल्म के जो ओ टी राइट्स है सैटेलाइट राइट्स है वो दोनों राइट्स सन नेटवर्क ने अपने पास ही रखे हुए वही इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं जहाँ पे टी के राइट्स तो प्योरली उनके पास है लेकिन ओ टी टी है वो उन्होंने नेटफ्लिक्स के साथ टाइप किया हुआ है तो ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर और सन नेक्स्ट ये दो ओ टी के ऊपर एक साथ देखने को मिलेगी जहाँ पे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन ये फिल्म थिरुचित्रम बलम के नाम के साथ तमिल वर्जन में भी थिंग्लिश सबटाइटल देखने को मिलेगी वहीं पे टेलीविजन के ऊपर सन टीवी के टेलीविजन चैनल के ऊपर ये फिल्म तमिल वर्जन में आपको थिरुचित्रम बलम के नाम के साथ बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि इस फिल्म का जो तमिल वर्जन है वो आपको थिरुचित्रम बलम नाम के साथ ओ टी टी प्लेटफॉर्म सन नेक्स्ट एप्लीकेशन और नेटफ्लिक्स के ऊपर एक साथ में देखने को मिलेगी दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर आप इन्जॉय कर पाओगे जहाँ पे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन इस फिल्म को अवेलेबल किया हुआ है वहीं पे हिंदी वर्जन सॉरी वहीं पे इस फिल्म के टेलीविजन वर्जन को सन टी के ऊपर आप आप, आप कर पाओगे वहाँ पर इस फिल्म को थिरुचित्रम बलम नाम के साथ अवेलेबल किया हुआ है तो वहाँ पर फिल्म प्रीमियर करवाई जाएगी बिल्कुल फ्री में हिंदी वर्जन के जो राइट्स है वो शायद तक पता चला हो कि शायद आर के दोगर स्टोरी या गोलमैस खरीद सकती है लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि गोलमैस के पास इस फिल्म के राइट्स हो सकती है लेकिन अभी तक कोई प्रॉपर कन्फर्मेशन नहीं मिली है लेकिन जैसे ही कन्फर्मेशन मिलेगी वो अपडेट हम आपको दे देंगे लेकिन फिलहाल में ये फिल्म अगर गोलमैंस के पास है तो ये फिल्म को जल्दी डब करवाया जाएगा उसके बाद सेंसर करवाया जाएगा उसके बाद में गोलमाइंस के टेलीविजन चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा उसके लंबे समय के बाद ही ये फिल्म आपको यूट्यूब पे ऑफिशियली गोलमाइंस के यूट्यूब चैनल के ऊपर हिंदी डब्ड वर्जन में विथिंग सब टाइटल फ्री में देखने को मिलेगी तो इस तरह से थिरुचित्रम बलम फिल्म आपको ऑफिशियली हिंदी तेलुगु दोनों वर्जन में देखने को मिल सकती है थिरुचित्रम बलम जो दो की इंडियन तमिल लैंग्वेज रोमांटिक फैमिली कॉमेडी ड्रामा फिल्म है इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया है स्क्रीन प्ले डायलॉग डायरेक्शन सभी चीजें मिथ्रन आर जवाहर ने की हुई है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ कालनिथी मारन ने जहाँ पे फिल्म को 30 करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी है सन पिक्चर्स फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है रेड जैंट मूवीज ने जो तमिल की फिलहाल में एक लीडिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बन रही है और इस फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे धनुष नित्या मेनन इनके अलावा भारती राजा प्रकाश राज राशि खन्ना प्रिया भवानी शंकर मुनिस खांत सृंजनी स्टंट शिवा अर्थंगा नसा इसके अर्थंगा निशा विजय पप्पू ए आर रेवती और रेवती ये सभी लोग आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे तो फिल्म की कुछ प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो ओम प्रकाश ने सिनेमेटोग्राफी की हुई है प्रसन्ना जी के ने एडिटिंग की हुई है जहां पर फिल्म को 133 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे तेरह मिनट के देखने को मिलेगी इसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट में अनिरुद्ध रविचंद्र का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग सुनने को मिलेंगे जहाँ पर फिल्म में टोटल पाँच गाने हैं तो इस तरह से ये गाने आपको सुनने को मिल जाएंगे यूट्यूब चैनल के ऊपर इसके अलावा इस फिल्म के अब हम प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो दिसंबर 2019 में सन पिक्चर्स ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट किए हुई थी कि वो एक प्रोजेक्ट साइन किए हुए धनुष के साथ जहाँ पे वो एक फैमिली ड्रामा कॉन्सेप्ट होने वाला है जहाँ पे धनुष पहली बार इस एज अ प्रोड्यूसर एक प्रोजेक्ट में काम करेंगे जहाँ पे सन पिक्चर्स के साथ उन्होंने ऑलरेडी पहले एज अ डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे पडिकावन अदू कलाम और मपी लाइफ जैसी फिल्मों में काम किया हुआ था और इस फिल्म के डायरेक्टर डायरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे मिथुरन आर जवाहर जिन्होंने इससे पहले यारन डिनी मोहिनी करके 2008 में और उसके बाद में कुट्टी फिल्म को और उत्तमा पुतिरान फिल्म को 2010 में धनुष के साथ डायरेक्ट किया हुआ था तो बताया जा रहा था कि वही इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले लेकिन जैसे ही प्रॉपर डिस्कलोसमेंट हुई तब पता चला कि वही इस फिल्म के डायरेक्टर है वहीं पर अनिरुद्ध रविचंद्र ने अनाउंस किया हुआ था कि वो इस फिल्म का म्यूजिक कंपोज करने वाले अक्टूबर 2020 में फिल्म का जो टाइटल है वो पाँच अगस्त 2021 को अनाउंस किया गया था तिरुचित्रम्बलम बलम जहाँ पे कास्टिंग में पहले तो धनुष के अपोजिट हंसिका मोटवानी को लेने का फैसला लिया जा रहा था मप्पी लाई फिल्म के बाद जहाँ पे ये रूमर निकल के आई हुई थी लेकिन जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई तब पता चला कि नित्या मेनन ने उनके अपोजिट वहीं पे धनुष के फ्रेंड का कैरेक्टर शोभना का रोल प्ले कर रही एक्ट्रेस को लिए बाद में राशि खन्ना को भी इस फिल्म में लिया गया प्रिया भवानी शंकर को भी लिया गया इसके अलावा ये दो जो लीड एक्टर हैं उनके अपोजिट धनुष के अपोजिट ही कास्ट की गई लेकिन उनके और किरदार थोड़े छोटे प्रकाश राज भारती राजा को सपोर्टिंग रोल के लिए बाद में साइन किया गया था और रियल किया गया कि हंसिका मोटवानी नयनतारा समन्तारा इस फिल्म की इनिशियल चॉइसिस थी लेकिन बाद में इस फिल्म की चॉइसिस को चेंज करते हुए दूसरे एक्ट्रेस को लिया गया बजट को ध्यान में रखते हुए प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है। वो फिल्म की पूजा सेरेमनी के साथ चेन्नई में स्टार्ट की गई थी पाँच अगस्त दो को दस अगस्त को प्रकाश राज ने एक छोटा सा ब्रेक लिया हुआ था इस फिल्म की शूटिंग से सर्जरी के चलते उनको कुछ शोल्डर का फ्रैक्चर हुआ था उस वजह से राशि खन्ना ने इस फिल्म का सेट है चेन्नई में ही ज्वाइन किया हुआ था पच्चीस अगस्त को वहीं पे इस फिल्म के कुछ क्रू मेंबर है जो सॉन्ग्स के सीक्वेंस है उसको पौंडीचेरी में शूट किया हुआ था चेन्नई के शेड्यूल के बाद कंप्लीट किया था उस शेड्यूल को लेट अगस्त को इस फिल्म के कुछ सिक्वेंस बाकी थे जहाँ पे धनुष और राशि खन्ना के बीच में कुछ सीन शूट हो रहे थे तो वहाँ से कुछ फोटोज़ लीक हुए थे इंटरनेट के ऊपर जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुके थे सितंबर में एक सॉन्ग शूटिंग हुई थी जहाँ पे धनुष और नित्य मेनन को लेकर उस गाने को कम्प्लीट करवाया हुआ था तो जिसको जानी मास्टर ने कोरियोग्राफ किया हुआ था जिसकी शूटिंग वो आउटस्क्रट पौंडीचेरी में क्रिएट की हुई थी इस फिल्म के कुछ वहाँ से भी सॉन्ग्स के भी कुछ फुटेज लीक हुई थी वहीं पे इस फिल्म की शूटिंग को पचास इस फिल्म की शूटिंग को पूरी तरह से कंप्लीट करने में करीबन पचास दिन लगे हुए थे और इस फिल्म को अर्ली अक्टूबर 2021 तक कंप्लीट करवाया हुआ था शूट करके बाद में डबिंग मिक्सिंग का काम करते हुए 14 फरवरी 2022 से इस फिल्म को काम करवाया गया था म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म का जो ओरिजिनल स्कोर है बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स का कंपोजिशन है वो अनिरुद्ध रविचंद्र ने किया हुआ है जहाँ पर वो धनुष के साथ करीबन छः साल के बाद इस फिल्म में म्यूज़िक देते हुए नजर आएंगे तो धनुष और उनके बीच में इससे पहले 2015 के थंदंगा मगन में उन्होंने म्यूज़िक दिया हुआ था और ये उनका पांचवा कोलोब्रेशन है धनुष के साथ जहाँ पे उनका पहला कोलोब्रेशन है फिल्म के डायरेक्टर मित्रन जवाहर के साथ इस फिल्म के लिरिसिस्ट थे विवेक जहाँ पे उन्होंने ऑफिशियल अनाउंस की हुई थी कि वो इस फिल्म के गाने को लिरिक्स लिखने वाले बाद में धीरे धीरे अलग अलग, अलग लिरिसिस्ट के पास इन गानों को क्रिएट करवाया हुआ है तो टोटल आपको इस फिल्म में पांच गाने सुनने को मिलेंगे पहला गाना है थाई केलवी जिसके लिरिक्स लिखे हुए धनुष ने सिंगर थे धनुष और एंटनी दसान दूसरा गाना है मेघम कोरकुत्ता जिसके लिरिक्स लिखे हुए धनुष ने सिंगर थे धनुष तीसरा गाना है लाइफ ऑफ पलम जिसके लिरिक्स लिखे हुए विवेक ने सिंगर थे निरुद्ध रविचंदर चौथा गाना है थिनमोली जिसके लिरिक्स लिखे हुए धनुष ने सिंगर थे संतोष नारायण पाँचवा गाना है मै कम कल जिसके लिरिक्स लिखे हुए धनुष ने और सिंगर थे धनुष थे इस तरह से टोटल पाँच गाने थे जिसके लेंट थी बारह मिनट और ये गाने आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली सुनने को मिल जाएंगे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जहाँ पे ये फिल्म के गाने वो ठीक ठाक थे डिसेंट थे जहाँ पे इस फिल्म के गाने उतने मजबूत नहीं थे लेकिन फिल्म काफ़ी ज़्यादा मज़बूत थी बीजेम भी डिसेंट थी फिल्म की अब हम बात करें इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले करा है उसके ऊपर तो धनुष ने थीलू चित्रम बल्लम जूनियर का रोल प्ले किया हुआ है एलाइस पलम का रोल प्ले किया हुआ है जो शोभना का बेस्ट फ्रेंड है ट्रू लवर है और बाद में उसका हस्बैंड बन जाता है नित्या मेनन ने शोभना का रोल प्ले किया हुआ है जो पलम की बेस्ट फ्रेंड है उसके बाद में उसकी ट्रू लवर बनती है उसके बाद में वो उसकी वाइफ बन जाती है भारती राजा ने सीनियर तिरुचित्रम बलम का रोल प्ले किया हुआ है जो पलम के ग्रांड फादर है वहीं पे प्रकाश राज इंस्पेक्टर नीला कंडन का रोल प्ले किया हुआ है जो पलम के फादर है राशि खन्ना अनुषा के रोल में दिखाई देंगी जो पलम की फर्स्ट लव इंटरेस्ट है चाइल्ड स्कूल डेज के टाइम से इसके अलावा प्रिया भवानी शंकर रंजनी के रोल में दिखाई देंगी जो पलम की सेकंड लव इंटरेस्ट है उसके गांव के नेटिव विलेज से इसके अलावा मुसीज कांत ने इस फिल्म में सुब्बा राज का रोल प्ले किया हुआ है जो पलम के अंकल है सिरंजनी ने राजेश्वरी का रोल प्ले किया है जो शोभना की माँ है वहीं पेस्टांड सिवा को इस को इस फिल्म में चाइल्ड किडनेपर का रोल दिया गया है अर्थंगी निशा को इस फिल्म में निशा यानी कि शोभराज की वाइफ का रोल दिया गया है विजय पप्पू ने इस फिल्म में अरविंद का रोल प्ले किया हुआ है जो शोभना के यंग ब्रदर है ए रेवती ने इस फिल्म में पलम की ग्रांड मदर का रोल प्ले किया हुआ है रेवती को इस फिल्म में पलम की माँ का रोल दिया गया था जिनका एक कीमी अपीरियंस था तो ये फिल्म की इतनी प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने ये इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं फिल्म की कहानी काफ़ी सिंपल है वहाँ पे ज़रूर आपको थोड़ा बहुत स्क्रीन प्ले में आपको ट्विस्ट ट्विस्टांस देखने को मिलेंगे लेकिन और फिल्म को काफ़ी सिंपल मैनर में, में स्क्रीन प्ले में सेट किया हुआ है लेकिन स्क्रीन प्ले को जिस तरह से चलाया हुआ है वो मजबूत था इसके ऊपर जो परफॉर्मेंसेस देखने को मिलती है धनुष की नित्या मेनन की वो काफ़ी शानदार थी सपोर्टिंग आर्टिस्ट ने भी बेकवा को भी तरीके से इन सभी किरदार को सपोर्ट दिया हुआ है तो ओवरऑल फिल्म की सब जो कास्टिंग है वो काफ़ी परफेक्ट वे में की गई थी उसकी परफॉर्मेंसेस काफ़ी बढ़िया थी डायरेक्शन मित्रनार आर जवाहर का देखने को मिलेगा जिन्होंने काफ़ी ऑन दी पॉइंट फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है फिल्म ऐसा कुछ नयापन तो नहीं है लेकिन जिस तरह से ट्रीटमेंट की हुई है जिस तरह से फिल्म को चलाया हुआ है स्क्रीन प्ले वो सभी चीज़ें फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाती है काफ़ी सारी चीज़ों को एंगेजिंग मैनर में दिखाया हुआ है ऐसा नहीं कि आपने पहले नहीं देखा है देखा हुआ है लेकिन जिस तरह से वो दिखा रहे थे कहानी को सुना रहे थे उनके नरेशन में वो दम नजर आ रहा था जिस वजह से पूरी फिल्म आपको पसंद आएगी फिल्म में कॉमेडी भी देखने को मिलेगी रोमेंस देखने को मिलेगा फैमिली देखने ड्रामा देखने को मिलेगा तो सभी का कॉम्बो काफ़ी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ है डायलॉग्स भी काफ़ी वीटी देखने को मिलते हैं प्रोडक्शन में काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलता है फिल्म के हर एक फ्रेम में काफ़ी बढ़िया तरीके से कच काम किया हुआ ऐसा नज़र आएगा सिनेमेटोग्राफी काफ़ी अच्छी थी कैमरा वर्क बढ़िया तरीके से देखने को मिलेगा एडिटिंग भी फिल्म की काफ़ी बढ़िया थी क्रिस मैनर में की गई थी म्यूजिक की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर अच्छा था लेकिन सॉन्ग्स उतने अप टू द मार्क वाले नहीं सुनने को मिलते इसके अलावा इस फिल्म की जो कलर टोन है कलर ग्रेडिंग है बढ़िया है इसके अलावा फिल्म की कास्टिंग के ऊपर काम जो किया हुआ है वो अच्छा है लीड एक्टर्स को जिस तरह से स्टाइलाइज किया हुआ था वो बढ़िया था साथ ही में इस फिल्म के वन लाइनर पंचज भी काफ़ी अच्छी तरीके से डिलीवर किए गए अब बात करें इस फिल्म के रिलीज़ के ऊपर तो अब ये फिल्म ज़रूर देख सकते हो अच्छी खासी फिल्में अब अब बात कर लेते हैं रिलीज़ के ऊपर 18 अगस्त 2022 को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जहां पे इस फिल्म को काफ़ी लो एक्सपेक्टेशन के साथ रिलीज़ किया ऐसा मान सकते हैं क्योंकि इस फिल्म का कोई बज नहीं था मार्केट में और धनुष की काफ़ी लंबे समय के बाद ये पहली थिएट्रिकल रिलीज़ थी करीबन एक दो साल से उनकी कोई फिल्म ऐसी थिएटर में प्रॉपर वे में, में, में रिलीज़ नहीं हुई थी इससे पहले 2021 में उनकी कर्न फिल्म आई थी उसके बाद जग में थन्देराम फिल्म आई थी 2021 हज़ार इक्कीस में दो हज़ार में अतरंगी रे फिल्म आई थी वहीं पे मारन फिल्म 2022 में आई थी द ग्रे मैन फिल्म आई थी 2022 में तो ये टोटल इस फिल्म पाँच फिल्में आई थी उनकी वो डायरेक्ट ओ के ऊपर स्ट्रीम की गई थी तो ओवरऑल देखा जाए काफ़ी लंबे समय के बाद वो थिएटर में कम करते हुए नजर आते जहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस के थ्रू जिस तरह से फिल्म को उन्होंने बनाया हुआ है वो काफ़ी दमदार था जहाँ पे 18 अगस्त जब 2022 को फिल्म को रिलीज़ किया गया तब बिना एक्सपेक्टेशन के साथ बहुत कम बस चल रहा था मार्केट में फिल्म को रिलीज़ किया गया लेकिन फिल्म ने जो दमदार कलेक्शन किया हुआ है वो काबिल ले तारीफ है फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ इतना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ निकल के आया है जिसके चलते ये फिल्म हर दिन बढ़िया कलेक्शन करती रही और काफ़ी लंबे समय तक काफ़ी लंबा रन लेने के बाद फिल्म में काफ़ी बढ़िया कलेक्शन करते हुए एक प्रॉफिटेबल वेंचर फिल्म साबित हुई जहाँ पे बॉक्स ऑफिस पे एक ब्लॉकबस्टर का टेग लेने में कामयाब रही इस फिल्म कॉमिडी पे करीबन छत्तीस सौ वोट मिले हुए जिसमें आठ पॉइंट दो की रेटिंग हासिल हुई है दस में से इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म को कितना पॉजिटिव साइड में रिस्पांस मिला हुआ था अब हम बात करें इस फिल्म के बजट के ऊपर तो तीस करोड़ का बजट लगाया हुआ है उसके सामने फिल्म ने धमाका करते हुए बॉक्स ऑफिस पे करीबन सौ करोड़ के आसपास का क्रॉस कलेक्शन किया हुआ है सौ करोड़ के ऊपर के आसपास का तो इसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बॉक्स ऑफिस पे 100 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ है फिल्म ने और ये तमिलनाडु की 2022 में जितनी भी फिल्में रिलीज़ हुई है उसमें वन ऑफ दी हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में से एक फिल्म साबित हुई पहले दिन फिल्म को करीबन नौ करोड़ की ओपनिंग मिली हुई थी धनुष के स्टारडम के हिसाब से उसके बाद में इस फिल्म को डे बाय डे पॉजिटिव रिस्पांस के चलते दूसरे दिन भी अच्छी खासी ओपनिंग मिली तो दो दिनों में इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बीस करोड़ का क्रॉस कलेक्शन किया पहले दिन सिर्फ तमिलनाडु से ही छः करोड़ का कलेक्शन निकल के आया था तीन दिनों का जो कलेक्शन था वीकेंड कलेक्शन वो करीबन तैंतीस करोड़ के आसपास का बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन निकल के आया हुआ था और उसके बाद में इस फिल्म ने जिस तरह से जिस कदर कलेक्शन किया वो काबिल तारीफ था उसके बाद में तो इस फिल्म ने पचास करोड़ का भी क्रॉस मार्क हासिल किया उसके बाद में नौवे दिन फिल्म ने करीबन चौंसठ करोड़ तक का ग्रोस कलेक्शन कर लिया था तेरहवें दिन तक फिल्म ने सौ करोड़ का मार्क हासिल करते हुए करीबन एक सौ दस करोड़ के ज़्यादा का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन किया और वन ऑफ दी हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म साबित हुई दो हज़ार बाईस की तमिल लैंग्वेज के लिए और साथ ही में धनुष के करियर की भी शायद सेकेंड या थर्ड हाइस्ट ग्रोसिंग ऐसी फिल्म साबित हुई जिसने सौ करोड़ के पार का कलेक्शन करके दिखाया तो अब इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फिल्म कितनी बड़ी हिट साबित हुई थी बॉक्स ऑफिस पर कितना धमाका मचाया था तो अगर आपको अब ये फिल्म देखनी है तो कहाँ पे देख सकते हो उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं इस फिल्म के जो ओ टी राइट्स है सैटेलाइट से, राइट्स है वो दोनों राइट्स सन नेटवर्क ने अपने पास ही रखे हुए वही इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं जहाँ पे टीवी के राइट्स तो प्योरली उनके पास है लेकिन ओ टी टी राइट्स है वो उन्होंने नेटफ्लिक्स के साथ टाइप किया हुआ है तो ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर और सन नेक्स्ट ये दो ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर एक साथ देखने को मिलेगी जहाँ पे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन ये फिल्म थिरु चित्रम्बलम के नाम के साथ तमिल वर्जन में भी इंग्लिश सबटाइटल देखने को मिलेगी वहीं पे टेलीविजन के ऊपर सन टीवी के टेलीविजन चैनल के ऊपर ये फिल्म तमिल वर्जन में आपको थिरु चित्रम्बलम के नाम के साथ बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि इस फिल्म का जो तमिल वर्जन है वो आपको थिरुचित्रम बलम नाम के साथ ओ टी टी प्लेटफॉर्म सन नेक्स्ट एप्लीकेशन और नेटफ्लिक्स के ऊपर एक साथ में देखने को मिलेगी दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर आप इन्जॉय कर पाओगे जहाँ पे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन इस फिल्म को अवेलेबल किया हुआ है वहीं पे हिंदी वर्ज सॉरी वहीं पे इस फिल्म के टेलीविजन वर्जन को सन टीवी के ऊपर आप आप इन्जॉय कर पाओगे वहाँ पे इस फिल्म को थिरुचित्रम बलम नाम के साथ अवेलेबल किया हुआ है तो वहाँ पर फिल्म प्रीमियर करवाई जाएगी बिल्कुल फ्री में हिंदी वर्जन के जो राइट्स है वो शायद तक पता चला हो कि शायद आर के दोगल स्टोडी या गोलमैंस खरीद सकती है लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि गोलमैंस के पास इस फिल्म के राइट्स हो सकती है लेकिन अभी तक कोई प्रॉपर कन्फर्मेशन नहीं मिली है लेकिन जैसे ही कन्फर्मेशन मिलेगी वो अपडेट हम आपको दे देंगे लेकिन फिलहाल में ये फिल्म अगर गोलमैंस के पास है तो ये फिल्म को जल्दी डब करवाया जाएगा उसके बाद सेंसर करवाया जाएगा उसके बाद में गोलमैस के टेलीविजन चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा उसके लंबे समय के बाद ही ये फिल्म आपको यूट्यूब पे ऑफिशियली गोलमस के यूटूब चैनल के ऊपर हिंदी डप्ट वर्जन में भी इंग्लिश सब फ्री में देखने को मिलेगी तो इस तरह से थिरुचित्रम बलम फिल्म आपको ऑफिशियली हिंदी तेलुगु दोनों वर्जन में देखने को मिल सकती है इस फिल्म के अब हम प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो दिसंबर 2019 में सन पिक्चर्स ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट किए हुई थी कि वो एक प्रोजेक्ट साइन किए हुए है धनुष के साथ जहाँ पे वो एक फैमिली ड्रामा कॉन्सेप्ट होने वाला है जहाँ पे धनुष पहली बार इस एज अ प्रोड्यूसर एक प्रोजेक्ट में काम करेंगे जहाँ पे सन पिक्चर्स के साथ उन्होंने ऑलरेडी पहले एज अ डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे पडिक कावन अदू कलम और मपी लाइफ जैसी फिल्मों में काम किया हुआ था और इस फिल्म के डायरेक्टर डायरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे मिथरन आर जवाहर जिन्होंने इससे पहले यारन डिनी मोहिनी करके 2008 में और उसके बाद में कुट्टी फिल्म को और उत्तमा पुतिरान फिल्म को 2010 में धन उसके साथ डायरेक्ट किया हुआ था तो बताया जा रहा था कि वही इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले लेकिन जैसे ही प्रॉपर डिस्कलोसमेंट हुई तब पता चला कि वही इस फिल्म के डायरेक्टर है वहीं पर अनिरुद्ध रविचंद्र ने अनाउंस किया हुआ था कि वो इस फिल्म का म्यूजिक कंपोज करने वाले अक्टूबर 2020 में फिल्म का जो टाइटल है वो पाँच अगस्त 2021 को अनाउंस किया गया था तिरुचित्रम बलम जहाँ पे कास्टिंग में पहले तो धनुष के अपोजिट हंसिका मोटवानी को लेने का फैसला लिया जा रहा था मपीलाई फिल्म के बाद जहाँ पे ये रोमर निकल के आई हुई थी लेकिन जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई तब पता चला कि नित्या मेनन ने उनके अपोजिट वहीं पे धनुष के फ्रेंड का कैरेक्टर शोभना का रोल प्ले कर रही है एक्ट्रेस को लिए बाद में राशि खन्ना को भी इस फिल्म में लिया गया प्रिया भवानी शंकर को भी लिया गया इसके अलावा ये दो जो लीड एक्टर हैं उनके अपोजिट धनुष के अपोजिट ही कास्ट की गई लेकिन उनके किरदार थोड़े छोटे प्रकाश राज भारती राजा को सपोर्टिंग रोल के लिए बाद में साइन किया गया था और रियल किया गया कि हंसिका मोटवानी नयनतारा ना इस फिल्म की इनिशियल चॉइसिस थी लेकिन बाद में इस फिल्म की चॉइसेस को चेंज करते हुए दूसरी एक्ट्रेस को लिया गया बजट को ध्यान में रखते हुए प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो फिल्म की पूजा सेरेमनी के साथ चेन्नई में स्टार्ट की गई थी पाँच अगस्त दो को दस अगस्त को प्रकाश राज ने एक छोटा सा ब्रेक लिया हुआ था इस फिल्म की शूटिंग से सर्जरी के चलते उनको कुछ शोल्डर का फ्रैक्चर हुआ था उस वजह से राशि खन्ना ने इस फिल्म का सेट है चेन्नई में ही ज्वाइन किया हुआ था पच्चीस अगस्त को वहीं पे इस फिल्म के कुछ क्रू मेंबर है जो सॉन्ग्स के सीक्वेंस है उसको पाण्डिचेरी में शूट किया हुआ था चेन्नई के शेड्यूल के बाद कंप्लीट किया था उस शेड्यूल को लेट अगस्त को इस फिल्म के कुछ सुख सिक्वेंस बाकी थे जहाँ पे धनुष और राशि खन्ना के बीच में कुछ सीन शूट हो रहे थे तो वहाँ से कुछ फोटोज लीक हुए थे इंटरनेट के ऊपर जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुके थे सितंबर में एक सॉन्ग की शूटिंग हुई थी जहाँ पे धनुष और नित्य मेनन को लेकर उस गाने को कम्प्लीट करवाया हुआ था जिसको जानी मास्टर ने कोरियोग्राफ किया हुआ था जिसकी शूटिंग वो आउटस्कर्ट पौंडीचेरी में क्रिएट की हुई थी इस फिल्म के कुछ वहाँ से भी सॉन्ग्स के भी कुछ फुटेज लीक हुई थी वहीं पे इस फिल्म की शूटिंग को पचास इस फिल्म की शूटिंग को पूरी तरह से कंप्लीट करने में करीबन पचास दिन लगे हुए थे और इस फिल्म को अर्ली अक्टूबर 2021 तक कंप्लीट करवाया हुआ था शूट करके बाद में डबिंग मिक्सिंग का, का काम करते हुए 14 फरवरी 2022 से इस फिल्म को काम करवाया गया था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म का जो ओरिजिनल स्कोर है बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स का कंपोजिशन है वो अनिरुद्ध रविचंद्र ने किया हुआ है जहाँ पे वो धनुष के साथ करीबन छः साल के बाद इस फिल्म में म्यूजिक देते हुए नजर आएंगे तो धनुष और उनके बीच में इससे पहले 2015 के थंदंगा मगन में उन्होंने म्यूजिक दिया हुआ था और ये उनका पांचवा कोलोब्रेशन है धनुष के साथ जहाँ पे उनका पहला ग्रो कोलोब्रेशन है फिल्म के डायरेक्टर मित्रन जवाहर के साथ इस फिल्म के लिरिसिस्ट थे विवेक जहाँ पे उन्होंने ऑफिशियल अनाउंस की हुई थी कि वो इस फिल्म के गाने को लिरिक्स लिखने वाले बाद में धीरे धीरे अलग अलग लिरिसिस्ट अल के पास इन गानों को क्रिएट करवाया हुआ है तो टोटल आपको इस फिल्म में पाँच गाने सुनने को मिलेंगे पहला गाना है थाई के लवी जिसके लिरिक्स लिखे हुए धनुष ने सिंगर थे धनुष और एंटनी दसान दूसरा गाना है मेगम कोरकुत्था जिसके लिरिक्स लिखे हुए धनुष ने सिंगर थे धनुष तीसरा गाना है लाइफ ऑफ पलम जिसके लिरिक्स लिखे हुए विवेक ने सिंगर थे निरुद्ध रविचंद्र चौथा गाना है थिनमोली जिसके लिरिक्स लिखे हुए धनुष ने सिंगर थे संतोष नारायण पाँचवा गाना है मै कलाकम जिसके लिरिक्स लिखे हुए धनुष ने और सिंगर थे धनुष थे इस तरह से टोटल पांच गाने थे जिसकी लेंथ थी, लें थी बारह मिनट और ये गाने आपको यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली सुनने को मिल जाएंगे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जहाँ पे ये फिल्म के गाने वो ठीक ठाक थे डिसेंट थे जहाँ पे सुन के गाने उतने मजबूत नहीं थे लेकिन फिल्म काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी बीजेम भी, भी डिसेंट थी फिल्म की अब हम बात करें इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर कौन सा एक्टर तो कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर तो धनुष ने थिरुचित्रम बलम जूनियर का रोल प्ले किया हुआ है एलाइस पलम का रोल प्ले किया हुआ है जो शोभना का बेस्ट फ्रेंड है ट्रू लवर है और बाद में उसका हस्बैंड बन जाता है नित्या मेनन ने शोभना का रोल प्ले किया हुआ है जो पलम की बेस्ट फ्रेम है उसके बाद में उसकी ट्रू लवर बनती है उसके बाद में वो उसकी वाइफ बन जाती है भारती राजा ने सीनियर थिरुचित्रम बलम का रोल प्ले किया हुआ है जो पलम के ग्रांड फादर है वहीं पे प्रकाश राज ने इंस्पेक्टर नीला कंटन का रोल प्ले किया हुआ है जो पलम के फादर है राशि खन्ना अनुषा के रोल में दिखाई देंगी जो पलम की फर्स्ट लव इंटरेस्ट है चाइल्ड स्कूल डेज के टाइम से इसके अलावा प्रिया भवानी शंकर रंजनी के रोल में दिखाई देंगी जो पलम की सेकंड लव इंटरेस्ट है उसके गांव के नेटिव विलेज से इसके अलावा मुशीकांत ने इस फिल्म में सुब्बा राज का रोल प्ले किया हुआ है जो पलम के अंकल है सिरंजनी ने राजेश्वरी का रोल प्ले किया हुआ है जो शोभना की माँ है वहीं स्टंट शिवा को इस सिल्वा को इस फिल्म में चाइल्ड किडनेपर का रोल दिया गया है अर्थंगी निशा को इस फिल्म में निशा यानी कि शोभराज की, की वाइफ का रोल दिया गया है विजय पप्पू ने इस फिल्म में अरविंद का रोल प्ले किया है जो शोभना के यंग ब्रदर है ए रेवती ने इस फिल्म में पलम की ग्रांड मदर का रोल प्ले किया हुआ है रेवती को इस फिल्म में पलम की मां का रोल दिया गया था जिनका एक कीम एक्सपीरियंस था तो ये फिल्म की इतनी प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने ये इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं फिल्म की कहानी काफ़ी सिंपल है वहाँ पे ज़रूर आपको थोड़ा बहुत स्क्रीन प्ले में आपको ट्विस्ट टर्न्स देखने को मिलेंगे लेकिन और फिल्म को काफ़ी सिंपल मैनर में स्क्रीन प्ले में सेट किया हुआ लेकिन स्क्रीन प्ले को जिस तरह से चलाया हुआ है वो मजबूत था इसके ऊपर जो परफॉर्मेंसेस देखने को मिलती है धनुष की नित्या मेनन की वो काफ़ी शानदार थी सपोर्टिंग आर्टिस्ट ने भी बेहबूबी तरीके से इन सभी किरदार को सपोर्ट दिया हुआ है तो ओवरऑल फिल्म की सब जो कास्टिंग है वो काफ़ी परफेक्ट वे में की गई थी उसकी परफॉर्मेंसेस काफ़ी बढ़िया थी डायरेक्शन मित्रनार आर जवाहर का देखने को मिलेगा जिन्होंने काफ़ी ऑन दी पॉइंट फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है फिल्म ऐसा कुछ नयापन तो नहीं है लेकिन जिस तरह से ट्रीटमेंट की हुई है जिस तरह से फिल्म को चलाया हुआ है स्क्रीन प्ले है। वो सभी चीज़ें फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाती है काफ़ी सारी चीज़ों को एंगेजिंग मैनर में दिखाया हुआ है ऐसा नहीं कि आपने पहले नहीं देखा है देखा हुआ है लेकिन जिस तरह से वो दिखा रहे थे कहानी को सुना रहे थे उनके नरेशन में वो दम नजर आ रहा था जिस वजह से पूरी फिल्म आपको पसंद आएगी फिल्म में कॉमेडी भी देखने को मिलेगी रोमेंस देखने को मिलेगा फैमिली देखने ड्रामा देखने को मिलेगा तो सभी का कॉम्बो काफ़ी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ है डायलॉग्स भी काफ़ी विटी देखने को मिलते हैं प्रोडक्शन में काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलता है फिल्म के हर एक फ्रेम में काफ़ी बढ़िया तरीके से कुछ काम किया हुआ ऐसा नजर आएगा सिनेमेटोग्राफी काफ़ी अच्छी थी कैमरा वर्क बढ़िया तरीके से देखने को मिलेगा एडिटिंग भी फिल्म की काफ़ी बढ़िया थी क्रिस्प मैनर में की गई थी म्यूजिक की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर अच्छा था लेकिन सॉन्ग्स उतने अप टू द मार्क वाले नहीं सुनने को मिलते इसके अलावा इस फिल्म की जो कलर टोन है कलर ग्रेडिंग है बढ़िया है इसके अलावा फिल्म की कास्टिंग के ऊपर काम जो किया हुआ है वो अच्छा है लीड एक्टर्स को जिस तरह से स्टाइल किया हुआ था वो बढ़िया था साथ ही में इस फिल्म के वन लाइनर और भी काफ़ी अच्छी तरीके से डिलीवर किए गए अब बात करें इस फिल्म के रिलीज़ के ऊपर तो अब ये फिल्म ज़रूर देख सकते हो अच्छी खासी फिल्म है अब अब बात कर लेते हैं रिलीज़ के ऊपर 18 अगस्त 2022 को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म को काफ़ी लो एक्सपेक्टेशन के साथ रिलीज़ किया ऐसा मान सकते हैं क्योंकि इस फिल्म का कोई बज नहीं था मार्केट में और धनुष की काफ़ी लंबे समय के बाद ये पहली थिएट्रिकल रिलीज़ थी करीबन एक दो साल से उनकी कोई फिल्म ऐसी थिएटर में प्रॉपर वे में रिलीज़ नहीं हुई थी इससे पहले 2021 में उनकी कर्न फिल्म आई थी उसके बाद जग में थन्देराम फिल्म आई थी 2021 में 2021 में अतरंग की इक्कीस रे फिल्म आई थी वहीं पे मारन फिल्म 2022 में आई थी द ग्रे मैन फिल्म आई थी 2022 में तो ये टोटल इस फिल्म पाँच फिल्में आई थी उनकी वो डायरेक्ट ओ के ऊपर स्ट्रीम की गई थी तो ओवरऑल देखा जाए काफी लंबे समय के बाद वो थिएटर में कम करते हुए नजर आते जहाँ पे उनकी ये परफॉर्मेंस इसके थ्रू जिस तरह से फिल्म को उन्होंने बनाया हुआ है वो काफ़ी दमदार था जहाँ पे 18 अगस्त जब 2022 को फिल्म को रिलीज़ किया गया तब बिना एक्सपेक्टेशन के साथ बहुत कम बस चल रहा था मार्केट में फिल्म को रिलीज़ किया गया लेकिन फिल्म ने जो दमदार कलेक्शन किया हुआ है वो काफ़ी तारीफ है फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ इतना स्ट्रॉग पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ निकल के आया है जिसके चलते ये फिल्म हर दिन बढ़िया कलेक्शन करती रही और काफ़ी लंबे समय तक काफ़ी लंबा रन लेने के बाद फिल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन करते हुए एक प्रॉफिटेबल वेंचर फिल्म साबित हुई जहाँ पे बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर का टेग लेने में कामयाब रही इस फिल्म को कॉमेडी पे करीबन छत्तीस सौ वोट मिले हुए जिसमें आठ पॉइंट दो की रेटिंग हासिल हुई है दस में से इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म को कितना पॉजिटिव साइड में रिस्पॉन्स मिला हुआ था तिरुचित्रा बलम जो दो की इंडियन तमिल लैंग्वेज रोमांटिक फैमिली कॉमेडी ड्रामा फिल्म है इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया है स्क्रीन प्ले डायलॉग डायरेक्शन सभी चीजें मिथ्रन आर जवाहर ने की हुई है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है कालिथी मारन ने जहाँ पे फिल्म को 30 करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सन पिक्चर्स फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है रेड जहेंट मूवीज़ ने जो तमिल की फिलहाल में एक लीडिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बन रही है और इस फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे धनुष नित्या मेनन इनके अलावा भारती राजा प्रकाश राज राशि खन्ना प्रिया भवानी शंकर मुनिसकांत श्रिंजनी स्टंट शिवा अर्थंगा नसा इसके निशा विजय पप्पू ए रेवती और रेवती ये सभी लोग आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे तो फिल्म की कुछ प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो ओम प्रकाश ने सिनेमेटोग्राफी की हुई है प्रसन्ना जी के ने एडिटिंग की हुई है जहां पर इस फिल्म को 133 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे तेरह मिनट के देखने को मिलेगी इसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट में अनिरुद्ध रविचंद्र का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग सुनने को मिलेंगे जहाँ पे फिल्म में टोटल पाँच गाने हैं तो इस तरह से ये गाने आपको सुनने को मिल जाएंगे यूट्यूब चैनल के ऊपर इसके अलावा इस फिल्म के अब हम प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो दिसंबर 2019 में सन पिक्चर्स ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट की हुई थी कि वो एक प्रोजेक्ट साइन किए हुए है धनुष के साथ जहाँ पे वो एक फैमिली ड्रामा कॉन्सेप्ट होने वाला है जहाँ पे धनुष पहली बार इस एस एज अ प्रोड्यूसर एक प्रोजेक्ट में काम करेंगे जहाँ पे सन पिक्चर्स के साथ उन्होंने ऑलरेडी पहले एज अ डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे पडिक कावन अदू और मफी लाइफ जैसी फिल्मों में काम किया हुआ था और इस फिल्म के डायरेक्टर डायरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे मिथ्रन आर जवाहर जिन्होंने इससे पहले यारन डिनी मोहिनी करके 2008 में और उसके बाद में कुट्टी फिल्म को और उत्तमा पुतिरान फिल्म को 2010 में धन के साथ डायरेक्ट किया हुआ था तो बताया जा रहा था कि वही इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले लेकिन जैसे ही प्रॉपर डिस्कलोसमेंट हुई तब पता चला कि वही इस फिल्म के डायरेक्टर है वहीं पर अनिरुद्ध रविचंद्र ने अनाउंस किया हुआ था कि वो इस फिल्म का म्यूजिक कंपोज करने वाले अक्टूबर 2020 में फिल्म का जो टाइटल है वो पाँच अगस्त 2021 को अनाउंस किया गया था तिरुचित्रम्बलम बलम जहाँ पे कास्टिंग में पहले तो धनुष के अपोजिट हंसिका मोटवानी को लेने का फैसला लिया जा रहा था मपीलाई फिल्म के बाद जहाँ पे ये रूमर निकल के आई हुई थी लेकिन जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई तब पता चला कि नित्या मेनन ने उनके अपोजिट वहीं पे धनुष के फ्रेंड का कैरेक्टर शोभना का रोल प्ले कर रही एक्ट्रेस को लिए बाद में राशि खन्ना को भी इस फिल्म में लिया गया प्रिया भवानी शंकर को भी लिया गया इसके अलावा ये दो जो लीड एक्टर हैं उनके अपोजिट धनुष के अपोजिट ही कास्ट की गई लेकिन उनके किरदार थोड़े छोटे प्रकाश राज भारती राजा को सपोर्टिंग रोल के लिए बाद में साइन किया गया था और रियल किया गया कि हंसिका मोटवा ने नयनतारा ना इस फिल्म की इनिशियल चॉइसिस थी लेकिन बाद में इस फिल्म की चॉइसिस को चेंज करते हुए दूसरे एक्ट्रेस को लिया गया बजट को ध्यान में रखते हुए प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है। वो फिल्म की पूजा सेरेमनी के साथ चेन्नई में स्टार्ट की गई थी पाँच अगस्त दो को दस अगस्त को प्रकाश राज ने एक छोटा सा ब्रेक लिया हुआ था इस फिल्म की शूटिंग से सर्जरी के चलते उनको कुछ शोल्डर का फ्रैक्चर हुआ था उस वजह से राशि खन्ना ने इस फिल्म का सेट है चेन्नई में ही ज्वाइन किया हुआ था पच्चीस अगस्त को वहीं पे इस फिल्म के कुछ क्रू मेंबर है जो सॉन्ग्स के सीक्वेंस है उसको पौंडीचेरी में शूट किया हुआ था चेन्नई के शेड्यूल के बाद कंप्लीट किया था उस शेड्यूल को लेट अगस्त को इस फिल्म के कुछ सुख सिक्वेंस बाकी थे जहाँ पे धनुष और राशि खन्ना के बीच में कुछ सीन शूट हो रहे थे तो वहाँ से कुछ फोटोज़ लीक हुए थे इंटरनेट के ऊपर जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुके थे सितंबर में एक सॉन्ग शूटिंग हुई थी जहाँ पे धनुष और नित्य मेनन को लेकर उस गाने को कम्प्लीट करवाया हुआ था तो जिसको जानी मास्टर ने कोरियोग्राफ किया हुआ था जिसकी शूटिंग है वो आउटस्क्रट पौंडीचेरी में क्रिएट की हुई थी इस फिल्म के कुछ वहां से भी सॉन्ग्स के भी कुछ फुटेज लीक हुई थी वहीं पे इस फिल्म की शूटिंग को पचास इस फिल्म की शूटिंग को पूरी तरह से कंप्लीट करने में करीबन पचास दिन लगे हुए थे और इस फिल्म को अर्ली अक्टूबर 2021 तक कंप्लीट करवाया हुआ था शूट करके बाद में डबिंग मिक्सिंग का, का काम करते हुए 14 फरवरी 2022 से इस फिल्म को काम करवाया गया था म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म का जो ओरिजिनल स्कोर है बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स का कंपोजिशन है वो अनिरुद्ध रविचंद्र ने किया हुआ है जहाँ पर वो धनुष के साथ करीबन छः साल के बाद इस फिल्म में म्यूज़िक देते हुए नजर आएंगे तो धनुष और उनके बीच में इससे पहले दो हज़ार पंद्रह के धनधंगा मगन में उन्होंने म्यूज़िक दिया हुआ था और ये उनका पांचवा कोलोब्रेशन है धनुष के साथ जहाँ पे उनका पहला ग्रो कोलोब्रेशन है फिल्म के डायरेक्टर मित्रन जवाहर के साथ इस फिल्म के लिरिसिस्ट थे विवेक जहाँ पे उन्होंने ऑफिशियल अनाउंस की हुई थी कि वो इस फिल्म के गाने को लिरिक्स लिखने वाले बाद में धीरे धीरे अलग अलग, अलग लिरिसिस्ट के पास इन गानों को क्रिएट करवाया हुआ है तो टोटल आपको इस फिल्म में पांच गाने सुनने को मिलेंगे पहला गाना है था के लवी जिसके लिरिक्स लिखे हुए धनुष ने सिंगर थे धनुष और एंटनी दसान दूसरा गाना है मेगम कोरकुत्ता जिसके लिरिक्स लिखे हुए धनुष ने सिंगर थे धनुष तीसरा गाना है लाइफ ऑफ पलम जिसके लिरिक्स लिखे हुए विवेक ने सिंगर थे निरुद्ध रविचंदर चौथा गाना है थिनमोली जिसके लिरिक्स लिखे हुए धनुष ने सिंगर थे संतोष नारायण पाँचवा गाना है मै कम कल कम जिसके लिरिक्स लिखे हुए धनुष ने और सिंगर थे धनुष थे इस तरह से टोटल पाँच गाने थे जिसके लेंथ थी बारह मिनट और ये गाने आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली सुनने को मिल जाएंगे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जहाँ पे ये फिल्म के गाने वो ठीक ठाक थे डिसेंट थे जहाँ पे इस फिल्म के गाने उतने मजबूत नहीं थे लेकिन फिल्म काफ़ी ज़्यादा मज़बूत थी बीजेम भी डिसेंट थी फिल्म की अब हम बात करें इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर तो धनुष ने थिरुचित्रम बल्लम जूनियर का रोल प्ले किया हुआ है एलाइस पलम का रोल प्ले किया हुआ है जो शोभना का बेस्ट फ्रेंड है ट्रू लवर है और बाद में उसका हस्बैंड बन जाता है नित्या मेनन ने शोभना का रोल प्ले किया हुआ है जो पलम की बेस्ट फ्रेंड है उसके बाद में उसकी ट्रू लवर बनती है उसके बाद में वो उसकी वाइफ बन जाती है भारती राजा ने सीनियर तिरुचित्रम पलम का रोल प्ले किया हुआ है जो पलम के ग्रांड फादर है वहीं पे प्रकाश राज ने इंस्पेक्टर नीला का रोल प्ले किया हुआ है जो पलम के फादर है राशि खन्ना अनुषा के रोल में दिखाई देंगी जो पलम की फर्स्ट लव इंटरेस्ट है चाइल्ड स्कूल डेज के टाइम से इसके अलावा प्रिया भवानी शंकर रंजनी के रोल में दिखाई देंगी जो पलम की सेकंड लव इंटरेस्ट है उसके गांव के नेटिव विलेज से इसके अलावा कांत ने इस फिल्म में सुब्बा राज का रोल प्ले किया हुआ है जो पलम के अंकल है सिरंजनी ने राजेश्वरी का रोल प्ले किया है जो शोभना की माँ है वहीं पिस्टांड सिवा को इस को इस फिल्म में चाइल्ड किडनेपर का रोल दिया गया है अर्थंगी निशा को इस फिल्म में निशा यानी कि शोभराज की वाइफ का रोल दिया गया है विजय पप्पू ने इस फिल्म में अरविंद का रोल प्ले किया हुआ है जो शोभना के यंग ब्रदर है ए रेवती ने इस फिल्म में पलम की ग्रांड मदर का रोल प्ले किया हुआ है रेवती को इस फिल्म में पलम की माँ का रोल दिया गया था जिनका एक कीमी अपीरियंस था तो ये फिल्म की इतनी प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने ये इंपोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं फिल्म की कहानी काफी सिंपल है वहाँ पे ज़रूर आपको थोड़ा बहुत स्क्रीन प्ले में आपको ट्विस्ट ट्विस्टांस देखने को मिलेंगे लेकिन और फिल्म को काफ़ी सिंपल मैनर में स्क्रीन प्ले में सेट किया हुआ है लेकिन स्क्रीन प्ले को जिस तरह से चलाया हुआ है वो मज़बूत था इसके ऊपर जो परफॉर्मेंसेस देखने को मिलती हैं धनुष की नित्या मेनन की वो काफ़ी शानदार थी सपोर्टिंग आर्टिस्ट ने भी बेकवा को भी तरीके से इन सभी किरदार को सपोर्ट दिया हुआ है तो ओवरऑल फिल्म की सब जो कास्टिंग है वो काफ़ी परफेक्ट वे में की गई थी उसकी परफॉर्मेंसेस काफ़ी बढ़िया थी डायरेक्शन मित्रन आर जवाहर का देखने को मिलेगा जिन्होंने काफ़ी ऑन दी पॉइंट फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है फिल्म में ऐसा कुछ नयापन तो नहीं है लेकिन जिस तरह से ट्रीटमेंट की हुई है जिस तरह से फिल्म को चलाया हुआ है स्क्रीन प्ले है। वो सभी चीज़ें फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाती है काफ़ी सारी चीज़ों को एंगेजिंग मैनर में दिखाया हुआ है ऐसा नहीं कि आपने पहले नहीं देखा है देखा हुआ है लेकिन जिस तरह से वो दिखा रहे थे कहानी को सुना रहे थे उनके नरेशन में वो दम नज़र आ रहा था जिस वजह से पूरी फिल्म आपको पसंद आएगी फिल्म में कॉमेडी भी देखने को मिलेगी रोमेंस देखने को मिलेगा फैमिली देखने ड्रामा देखने को मिलेगा तो सभी का कॉम्बो काफ़ी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ है डायलॉग्स भी काफ़ी वीटी देखने को मिलते हैं प्रोडक्शन में काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलता है फिल्म के हर एक फ्रेम में काफ़ी बढ़िया तरीके से कच काम किया हुआ ऐसा नज़र आएगा सिनेमेटोग्राफी काफ़ी अच्छी थी कैमरा वर्क बढ़िया तरीके से देखने को मिलेगा एडिटिंग भी फिल्म की काफ़ी बढ़िया थी में की गई थी म्यूजिक की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर अच्छा था लेकिन सॉन्ग्स उतने अप टू द मार्क वाले नहीं सुनने को मिलते इसके अलावा इस फिल्म की जो कलर टोन है कलर ग्रेडिंग है बढ़िया है इसके अलावा फिल्म की कास्टिंग के ऊपर काम जो किया हुआ वो अच्छा है लीड एक्टर्स को जिस तरह से स्टाइलाइज किया हुआ था वो बढ़िया था साथ ही में इस फिल्म के वन लाइनर पंचज भी काफी अच्छी तरीके से डिलीवर किए गए अब बात करें इस फिल्म के रिलीज के ऊपर तो अब ये फिल्म ज़रूर देख सकते हो अच्छी खासी फिल्में अब अब बात कर लेते हैं रिलीज़ के ऊपर 18 अगस्त 2022 को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जहां पे इस फिल्म को काफ़ी लो एक्सपेक्टेशन के साथ रिलीज़ किया ऐसा मान सकते क्योंकि इस फिल्म का कोई बज नहीं था मार्केट में और धनुष की काफ़ी लंबे समय के बाद ये पहली थिएट्रिकल रिलीज़ थी करीबन एक दो साल से उनकी कोई फिल्म ऐसी थिएटर में प्रॉपर वे में रिलीज़ नहीं हुई थी इससे पहले 2021 में उनकी कर्न फिल्म आई थी उसके बाद जग में थंदेराम फिल्म आई थी 2021 हज़ार इक्कीस में दो हज़ार में अतरंगी रे फिल्म आई थी वहीं पे मारन फिल्म 2022 में आई थी द ग्रे मैन फिल्म आई थी 2022 में तो ये टोटल इस फिल्म पाँच फिल्में आई थी उनकी वो डायरेक्ट ओ के ऊपर स्ट्रीम की गई थी तो ओवरऑल देखा जाए काफ़ी लंबे समय के बाद वो थिएटर में कम करते हुए नजर आते जहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस के थ्रू जिस तरह से फिल्म को उन्होंने बनाया हुआ है वो काफ़ी दमदार था जहाँ पे 18 अगस्त जब 2022 को फिल्म को रिलीज़ किया गया तब बिना एक्सपेक्टेशन के साथ बहुत कम बस चल रहा था मार्केट में फिल्म को रिलीज़ किया गया लेकिन फिल्म ने जो दमदार कलेक्शन किया हुआ है वो काबिल ले तारीफ है फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ इतना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ निकल के आया है जिसके चलते ये फिल्म हर दिन बढ़िया कलेक्शन करती रही और काफ़ी लंबे समय तक काफ़ी लंबा रन लेने के बाद फिल्म में काफ़ी बढ़िया कलेक्शन करते हुए एक प्रॉफिटेबल वेंचर फिल्म साबित हुई जहां पे बॉक्स ऑफिस पे एक ब्लॉकबस्टर का टेग लेने में कामयाब रही इस फिल्म को एम डी पे करीबन छत्तीस सौ वोट मिले हुए जिसमें आठ पॉइंट दो की रेटिंग हासिल हुई है दस में से इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म को कितना पॉजिटिव साइड में रिस्पांस मिला हुआ था अब हम बात करें इस फिल्म के बजट के ऊपर तो तीस करोड़ का बजट लगाया हुआ है उसके सामने फिल्म ने धमाका करते हुए बॉक्स ऑफिस पे करीबन सौ करोड़ के आसपास का क्रॉस कलेक्शन किया हुआ है सौ करोड़ के ऊपर के आसपास का तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बॉक्स ऑफिस पे 100 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ है फिल्म ने और ये तमिलनाडु की 2022 में जितनी भी फिल्में रिलीज़ हुई है उसमें वन ऑफ दी हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में से एक फिल्म साबित हुई पहले दिन फिल्म को करीबन नौ करोड़ की ओपनिंग मिली हुई थी धन उसके स्टारडम के हिसाब से उसके बाद में इस फिल्म को डे बाय डे पॉजिटिव रिस्पांस के चलते दूसरे दिन भी अच्छी खासी ओपनिंग मिली तो दो दिनों में इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बीस करोड़ का क्रॉस कलेक्शन किया पहले दिन सिर्फ तमिलनाडु से ही छः करोड़ का कलेक्शन निकल के आया था तीन दिनों का जो कलेक्शन था वीकेंड कलेक्शन वो करीबन तैंतीस करोड़ के आसपास का बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन निकल के आया हुआ था और उसके बाद में इस फिल्म ने जिस तरह से जिस कदर कलेक्शन किया वो काबिल तारीफ था उसके बाद में तो इस फिल्म ने पचास करोड़ का भी क्रॉस मार्क हासिल किया उसके बाद में नौवे दिन फिल्म ने करीबन चौंसठ करोड़ तक का ग्रोस कलेक्शन कर लिया था तेरहवें दिन तक फिल्म ने सौ करोड़ का मार्क हासिल करते हुए करीबन एक सौ दस करोड़ के ज़्यादा का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन किया और वन ऑफ दी हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म साबित हुई दो हज़ार बाईस की तमिल लैंग्वेज के लिए और साथ ही में धनुष के करियर की भी शायद सेकेंड या थर्ड हाइस्ट ग्रोसिंग ऐसी फिल्म साबित हुई जिसने सौ करोड़ के पार का कलेक्शन करके दिखाया तो अब इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म कितनी बड़ी हिट साबित हुई थी बॉक्स ऑफिस पर कितना धमाका मचाया था तो अगर आपको अब ये फिल्म देखनी है तो कहाँ पे देख सकते हो उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं इस फिल्म के जो ओ टी राइट्स है सैटेलाइट राइट्स है वो दोनों राइट्स सन नेटवर्क ने अपने पास ही रखे हुए है वही इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं जहाँ पे टीवी के राइट्स तो प्योरली उनके पास है लेकिन ओ टी टी राइट्स है वो उन्होंने नेटफ्लिक्स के साथ टाइप किया हुआ है तो ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर और सन नेक्स्ट ये दो ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर एक साथ देखने को मिलेगी जहाँ पे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन ये फिल्म थिरुचित्रम्बलम के नाम के साथ तमिल वर्जन में भी थिंग्लिश सबटाइटल देखने को मिलेगी वहीं पे टेलीविज़न के ऊपर सन टीवी के टेलीविज़न चैनल के ऊपर ये फिल्म तमिल वर्जन में आपको थिरु चित्रम्बलम के नाम के साथ बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि इस फिल्म का जो तमिल वर्जन है वो आपको थिरुचित्रम बलम नाम के साथ ओ टी टी प्लेटफॉर्म सन नेक्स्ट एप्लीकेशन और नेटफ्लिक्स के ऊपर एक साथ में देखने को मिलेगी दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर आप इन्जॉय कर पाओगे जहाँ पे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन इस फिल्म को अवेलेबल किया हुआ है वहीं पे हिंदी वर्जन सॉरी वहीं पे इस फिल्म के टेलीविजन वर्जन को सन टीवी के ऊपर आप आप इन्जॉय कर पाओगे वहाँ पर इस फिल्म को थिरुचित्रम बलम नाम के साथ अवेलेबल किया हुआ है तो वहाँ पर फिल्म प्रीमियर करवाई जाएगी बिल्कुल फ्री में हिंदी वर्जन के जो राइट्स है वो शायद तक पता चला हो कि शायद आर के दोगल स्टोरी या गोलमैंस खरीद सकती है लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि गोलमैंस के पास इस फिल्म के राइट्स हो सकती है लेकिन अभी तक कोई प्रॉपर कन्फर्मेशन नहीं मिली है लेकिन जैसे ही कन्फर्मेशन मिलेगी वो अपडेट हम आपको दे देंगे लेकिन फिलहाल में ये फिल्म अगर गोलमैंस के पास है तो ये फिल्म को जल्दी डब करवाया जाएगा उसके बाद सेंसर करवाया जाएगा उसके बाद में गोलमाइंस के टेलीविजन चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा उसके लंबे समय के बाद ही ये फिल्म आपको यूट्यूब पे ऑफिशियली गोलम्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर हिंदी डप्ट वर्जन में भी इंग्लिश सब फ्री में देखने को मिलेगी तो इस तरह से थिरुचित्रम बलम फिल्म आपको ऑफिशियली हिंदी तेलुगु दोनों वर्जन में देखने को मिल सकती है थिरुचित्र बलम जो दो की इंडियन तमिल लैंग्वेज रोमेंटिक फैमिली कॉमेडी ड्रामा फिल्म है इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया है स्क्रीन प्ले डायलॉग डायरेक्शन सभी चीज़ें मिथरन आर जवाहर ने की हुई है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है कालनीथी मारन ने जहाँ पे फिल्म को तीस करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सन पिक्चर्स फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है रेड जैंट मूवीज ने जो तमिल की फिलहाल में एक लीडिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बन रही है और इस फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे धनुष नित्या मेनन इनके अलावा भारती राजा प्रकाश राज राशि खन्ना प्रिया भवानी शंकर मुनिस कांत सृंजनी स्टंट सिवा अर्थंगा नसा इसके अर्थंगा निशा विजय पप्पू ए आर रेवती और रेवती ये सभी लोग आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे तो फिल्म की कुछ प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो ओम प्रकाश ने सिनेमेटोग्राफी की हुई है प्रसन्ना जी के ने एडिटिंग की हुई है जहां पे इस फिल्म को 133 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे तेरह मिनट के देखने को मिलेगी इसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में अनिरुद्ध रविचंद्र का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग सुनने को मिलेंगे जहाँ पे फिल्म में टोटल पाँच गाने हैं तो इस तरह से गाने आपको सुनने को मिल जाएंगे यूट्यूब चैनल के ऊपर इसके अलावा इस फिल्म के अब हम प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो दिसंबर 2019 में सन पिक्चर्स ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट किए हुई थी कि वो एक प्रोजेक्ट साइन किए हुए धनुष के साथ जहाँ पे वो एक फैमिली ड्रामा कॉन्सेप्ट होने वाला है जहाँ पे धनुष पहली बार इस एस एज अ प्रोड्यूसर एक प्रोजेक्ट में काम करेंगे जहाँ पे सन पिक्चर्स के साथ उन्होंने ऑलरेडी पहले एज अ डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे पडिक कावन अदू कलाम और मफी लाइफ जैसी फिल्मों में काम किया हुआ था और इस फिल्म के डायरेक्टर डायरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे मिथरन आर जवाहर जिन्होंने इससे पहले यारन डिनी मोहिनी करके 2008 में और उसके बाद में कुट्टी फिल्म को और उत्तमा पुतिरान फिल्म को 2010 में धन के साथ डायरेक्ट किया हुआ था तो बताया जा रहा था कि वही इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले लेकिन जैसे ही प्रॉपर डिस्कलोसमेंट हुई तब पता चला कि वही इस फिल्म के डायरेक्टर है वहीं पर अनिरुद्ध रविचंद्र ने अनाउंस किया हुआ था कि वो इस फिल्म का म्यूजिक कंपोज करने वाले अक्टूबर 2020 में फिल्म का जो टाइटल है वो पाँच अगस्त 2021 को अनाउंस किया गया था तिरुचित्रम बलम जहाँ पे कास्टिंग में पहले तो धनुष के अपोजिट हंसिका मोटवानी को लेने का फैसला लिया जा रहा था लाई फिल्म के बाद जहाँ पे ये रोमर निकल के आई हुई थी लेकिन जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई तब पता चला कि नित्या मेनन ने उनके अपोजिट वहीं पे धनुष के फ्रेंड का कैरेक्टर शोभना का रोल प्ले कर रही में है एक्ट्रेस को लिए बाद में राशि खन्ना को भी इस फिल्म में लिया गया प्रिया भवानी शंकर को भी लिया गया इसके अलावा ये दो जो लीड एक्टर हैं उनके अपोजिट धनुष के अपोजिट ही कास्ट की गई लेकिन उनके किरदार थोड़े छोटे प्रकाश राज भारती राजा को सपोर्टिंग रोल के लिए बाद में साइन किया गया था और रियल किया गया कि हंसिका मोटवानी नयनतारा ना इस फिल्म की इनिशियल चॉइसिस थी लेकिन बाद में इस फिल्म की चॉइसेस को चेंज करते हुए दूसरी एक्ट्रेस को लिया गया बजट को ध्यान में रखते हुए प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है, वो फिल्म की पूजा सेरेमनी के साथ चेन्नई में स्टार्ट की गई थी पाँच अगस्त दो को दस अगस्त को प्रकाश राज ने एक छोटा सा ब्रेक लिया हुआ था इस फिल्म की शूटिंग से सर्जरी के चलते उनको कुछ शोल्डर का फ्रैक्चर हुआ था उस वजह से राशि खन्ना ने इस फिल्म का सेट है चेन्नई में ही ज्वाइन किया हुआ था पच्चीस अगस्त को वहीं पे इस फिल्म के कुछ क्रू मेंबर है जो सॉन्ग्स के सीक्वेंस है उसको पाण्डिचेरी में शूट किया हुआ था चेन्नई के शेड्यूल के बाद कंप्लीट किया था उस शेड्यूल को लेट अगस्त को इस फिल्म के कुछ सुख सिक्वेंस बाकी थे जहाँ पे धनुष और राशि खन्ना के बीच में कुछ सीन शूट हो रहे थे तो वहाँ से कुछ फ़ोटोज़ लीक हुए थे इंटरनेट के ऊपर जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुके थे सितंबर में एक सॉन्ग की शूटिंग हुई थी जहाँ पे धनुष और नित्य मेनन को लेकर उस गाने को कंप्लीट करवाया हुआ था तो जिसको जानी मास्टर ने कोरियोग्राफ किया हुआ था जिसकी शूटिंग वो आउटस्क्रट पौंडीचेरी में क्रिएट की हुई थी इस फिल्म के कुछ वहाँ से भी सॉन्ग्स के भी कुछ फुटेज लीक हुई थी वहीं पे इस फिल्म की शूटिंग को पचास इस फिल्म की शूटिंग को पूरी तरह से कंप्लीट करने में करीबन पचास दिन लगे हुए थे और इस फिल्म को अर्ली अक्टूबर 2021 तक कंप्लीट करवाया हुआ था शूट करके बाद में डबिंग मिक्सिंग का, का काम करते हुए 14 फरवरी 2022 से इस फिल्म को काम करवाया गया था म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म का जो ओरिजिनल स्कोर है बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स का कंपोजिशन है वो अनिरुद्ध रविचंद्र ने किया हुआ है जहाँ पे वो धनुष के साथ करीबन छः साल के बाद इस फिल्म में म्यूज़िक देते हुए नज़र आएंगे तो धनुष और उनके बीच में इससे पहले दो हज़ार पंद्रह के धनधंगा मगन में उन्होंने म्यूज़िक दिया हुआ था और ये उनका पांचवा कोलोब्रेशन है धनुष के साथ जहाँ पे उनका पहला ग्रो कोलाब्रेशन है फिल्म के डायरेक्टर मित्रन जवाहर के साथ इस फिल्म के लिरिसिस्ट थे विवेक जहाँ पे उन्होंने ऑफिशियल अनाउंस की हुई थी कि वो इस फिल्म के गाने को लिरिक्स लिखने वाले बाद में धीरे धीरे अलग अलग लिरिसिस्ट के पास इन गानों को क्रिएट करवाया हुआ है तो टोटल आपको इस फिल्म में पांच गाने सुनने को मिलेंगे पहला गाना है थाई के लवी जिसके लिरिक्स लिखे हुए धनुष ने सिंगर थे धनुष और एंटनी दसान दूसरा गाना है मेगम कोरकुत्था जिसके लिरिक्स लिखे हुए धनुष ने सिंगर थे धनुष तीसरा गाना है लाइफ ऑफ पलम जिसके लिरिक्स लिखे हुए विवेक ने सिंगर थे निरुद्ध रविचंद्र चौथा गाना है थिन मोली जिसके लिरिक्स लिखे हुए धनुष ने सिंगर थे संतोष नारायण पाँचवा गाना है मेक कम कला कम जिसके लिरिक्स लिखे हुए धनुष ने और सिंगर थे धनुष थे इस तरह से टोटल पाँच गाने थे जिसके लेंथ थी बारह मिनट और ये गाने आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली सुनने को मिल जाएंगे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जहाँ पे ये फिल्म के गाने वो ठीक ठाक थे डिसेंट थे जहाँ पे इस फिल्म के गाने उतने मजबूत नहीं थे लेकिन फिल्म काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी बीजेम भी रिसेंट थी फिल्म की अब हम बात करें इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर तो धनुष ने थिरुचित्रम बल्लम जूनियर का रोल प्ले किया हुआ है एलाइस पलम का रोल प्ले किया हुआ है जो शोभना का बेस्ट फ्रेंड है ट्रू लवर है और बाद में उसका हस्बैंड बन जाता है नित्या मेनन ने शोभना का रोल प्ले किया हुआ है जो पलम की बेस्ट फ्रेंड है उसके बाद में उसकी ट्रू लवर बनती है उसके बाद में वो उसकी वाइफ बन जाती है भारती राजा ने सीनियर तिरुचित्रम पलम का रोल प्ले किया हुआ है जो पलम के ग्रांड फादर है वहीं पे प्रकाश राज ने इंस्पेक्टर नीला का रोल प्ले किया हुआ है जो पलम के फादर है राशि खन्ना अनुषा के रोल में दिखाई देंगी जो पलम की फर्स्ट लव इंटरेस्ट है चाइल्ड स्कूल डेज के टाइम से इसके अलावा प्रिया भवानी शंकर रंजनी के रोल में दिखाई देंगी जो पलम की सेकंड लव इंटरेस्ट है उसके गांव के नेटिव विलेज से इसके अलावा मुशीकांत ने इस फिल्म में सुब्बा राज का रोल प्ले किया हुआ है जो पलम के अंकल है सिरंजनी ने राजेश्वरी का रोल प्ले किया हुआ है जो शोभना की माँ है वहीं पृष्टान सिवा को इस को इस फिल्म में चाइल्ड किडनेपर का रोल दिया गया है अर्थंगी निशा को इस फिल्म में निशा यानी कि सोभराज की वाइफ का रोल दिया गया है विजय पप्पू ने इस फिल्म में अरविंद का रोल प्ले किया हुआ है जो शोभना के यंग ब्रदर है ए रेवती ने इस फिल्म में पलम की ग्रांड मदर का रोल प्ले किया हुआ है रेवती को इस फिल्म में पलम की माँ का रोल दिया गया था जिनका एक कीमी अपीरियंस था तो ये फिल्म की इतनी प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने ये इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं फिल्म की कहानी काफ़ी सिंपल है वहाँ पे ज़रूर आपको थोड़ा बहुत स्क्रीन प्ले में आपको ट्विस्ट टर्न्स देखने को मिलेंगे लेकिन और फिल्म को काफ़ी सिंपल मैनर में स्क्रीन प्ले में सेट किया हुआ लेकिन स्क्रीन प्ले को जिस तरह से चलाया हुआ है वो मजबूत था इसके ऊपर जो परफॉर्मेंसेस देखने को मिलती है धनुष की नित्या मेनन की वो काफ़ी शानदार थी सपोर्टिंग आर्टिस्ट ने भी को भी तरीके से इन सभी किरदार को सपोर्ट दिया हुआ है तो ओवरऑल फिल्म की सब जो कास्टिंग है वो काफ़ी परफेक्ट वे में की गई थी उसकी परफॉर्मेंसेस काफ़ी बढ़िया थी डायरेक्शन मित्रन आर जवाहर का देखने को मिलेगा जिन्होंने काफ़ी ऑन दी पॉइंट फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है फिल्म ऐसा कुछ नयापन तो नहीं है लेकिन जिस तरह से ट्रीटमेंट की हुई है जिस तरह से फिल्म को चलाया हुआ है स्क्रीन प्ले वो सभी चीज़ें फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाती है काफ़ी सारी चीज़ों को एंगेजिंग मैनर में दिखाया हुआ है ऐसा नहीं कि आपने पहले नहीं देखा है देखा हुआ है लेकिन जिस तरह से वो दिखा रहे थे कहानी को सुना रहे थे उनके नरेशन में वो दम नजर आ रहा था जिस वजह से पूरी फिल्म आपको पसंद आएगी फिल्म में कॉमेडी भी देखने को मिलेगी रोमेंस देखने को मिलेगा फैमिली देखने ड्रामा देखने को मिलेगा तो सभी का कॉम्बो काफ़ी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ है डायलॉग्स भी काफ़ी विटी देखने को मिलते हैं प्रोडक्शन में काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलता है फिल्म के हर एक फ्रेम में काफ़ी बढ़िया तरीके से कुछ काम किया हुआ ऐसा नजर आएगा सिनेमेटोग्राफी काफ़ी अच्छी थी कैमरा वर्क बढ़िया तरीके से देखने को मिलेगा एडिटिंग भी फिल्म की काफ़ी बढ़िया थी क्रिस्प मैनर में की गई थी म्यूजिक की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर अच्छा था लेकिन सॉन्ग्स उतने अप टू द मार्क वाले नहीं सुनने को मिलते इसके अलावा इस फिल्म की जो कलर टोन है कलर ग्रेडिंग है बढ़िया है इसके अलावा फिल्म की कास्टिंग के ऊपर काम जो किया हुआ है वो अच्छा है लीड एक्टर्स को जिस तरह से स्टाइलिज किया हुआ था वो बढ़िया था साथ ही में इस फिल्म के वन लाइनर और भी काफ़ी अच्छी तरीके से डिलीवर किए गए अब बात करें इस फिल्म के रिलीज़ के ऊपर तो अब ये फिल्म जरूर देख सकते हो अच्छी खासी फिल्म है अब अब बात कर लेते हैं रिलीज़ के ऊपर 18 अगस्त 2022 को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म को काफ़ी लो एक्सपेक्टेशन के साथ रिलीज़ किया ऐसा मान सकते हैं क्योंकि इस फिल्म का कोई बज नहीं था मार्केट में और धनुष की काफ़ी लंबे समय के बाद ये पहली थिएट्रिकल रिलीज़ थी करीबन एक दो साल से उनकी कोई फिल्म ऐसी थिएटर में प्रॉपर वे में रिलीज़ नहीं हुई थी इससे पहले 2021 में उनकी कर्न फिल्म आई थी उसके बाद जग में थन्देराम फिल्म आई थी 2021 हज़ार इक्कीस में दो हज़ार इक्कीस में अतरंगी रे फिल्म आई थी वहीं पे मारन फिल्म 2022 में आई थी द ग्रे मैन फिल्म आई थी 2022 में तो ये टोटल इस फिल्म पाँच फिल्में आई थी उनकी वो डायरेक्ट ओ के ऊपर स्ट्रीम की गई थी तो ओवरऑल देखा जाए काफी लंबे समय के बाद वो थिएटर में कम करते हुए नजर आते जहाँ पे उनकी ये परफॉर्मेंस इसके थ्रू जिस तरह से फिल्म को उन्होंने बनाया हुआ है वो काफ़ी दमदार था जहाँ पे 18 अगस्त जब 2022 को फिल्म को रिलीज़ किया गया तब बिना एक्सपेक्टेशन के साथ बहुत कम बस चल रहा था मार्केट में फिल्म को रिलीज़ किया गया लेकिन फिल्म ने जो दमदार कलेक्शन किया हुआ है वो काफ़ी तारीफ है फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ इतना स्ट्रॉग पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ निकल के आया है जिसके चलते ये फिल्म हर दिन बढ़िया कलेक्शन करती रही और काफ़ी लंबे समय तक काफ़ी लंबा रन लेने के बाद फिल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन करते हुए एक प्रॉफिटेबल वेंचर फिल्म साबित हुई जहाँ पे बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर का टेग लेने में कामयाब रही इस फिल्म को आई पे करीबन छत्तीस सौ वोट मिले हुए जिसमें आठ पॉइंट दो की रेटिंग हासिल हुई है दस में से इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म को कितना पॉजिटिव साइड में रिस्पॉन्स मिला हुआ था अब हम बात करें इस फिल्म के बजट के ऊपर तो तीस करोड़ का बजट लगाया हुआ है उसके सामने फिल्म ने धमाका करते हुए बॉक्स ऑफिस पे करीबन सौ करोड़ के आसपास का क्रॉस कलेक्शन किया हुआ है सौ करोड़ के ऊपर के आसपास का तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बॉक्स ऑफिस पे 100 करोड़ का ग्रोथ कलेक्शन किया हुआ है फिल्म ने और ये तमिलनाडु की 2022 में जितनी भी फिल्में रिलीज़ हुई है उसमें वन ऑफ दी हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में से एक फिल्म साबित हुई पहले दिन फिल्म को करीबन 9 करोड़ की ओपनिंग मिली हुई थी धनुष के स्टारडम के हिसाब से उसके बाद में इस फिल्म को डे बाय डे पॉजिटिव रिस्पांस के चलते दूसरे दिन भी अच्छी खासी ओपनिंग मिली तो दो दिनों में इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बीस करोड़ का क्रॉस कलेक्शन किया पहले दिन सिर्फ तमिलनाडु से ही छः करोड़ का कलेक्शन निकल के आया था तीन दिनों का जो कलेक्शन था वीकेंड कलेक्शन करीबन तैंतीस करोड़ के आसपास का बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन निकल के आया हुआ था और उसके बाद में इस फिल्म ने जिस तरह से जिस कदर कलेक्शन किया वो काबिल तारीफ था उसके बाद में तो इस फिल्म ने पचास करोड़ का भी क्रॉस मार्क हासिल किया उसके बाद में नौवे दिन फिल्म ने करीबन चौंसठ करोड़ तक का ग्रोस कलेक्शन कर लिया था तेरहवें दिन तक फिल्म ने सौ करोड़ का मार्क हासिल करते हुए करीबन एक सौ दस करोड़ के ज़्यादा का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन किया और वन ऑफ दी हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म साबित हुई दो हज़ार बाईस की तमिल लैंग्वेज के लिए और साथ ही में धनुष के करियर की भी शायद सेकेंड या थर्ड हाइस्ट ग्रोसिंग ऐसी फिल्म साबित हुई जिसने सौ करोड़ के पार का कलेक्शन करके दिखाया तो अब इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म कितनी बड़ी हिट साबित हुई थी बॉक्स ऑफिस पे कितना धमाका मचाया था तो अगर आपको अब ये फिल्म देखनी है तो कहाँ पे देख सकते हो उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं इस फिल्म के जो ओ टी राइट्स है सैटेलाइट राइट्स है वो दोनों राइट्स सन नेटवर्क ने अपने पास ही रखे हुए वही इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं जहाँ पे टी के राइट्स तो प्योरली उनके पास है लेकिन ओ टी टी है वो उन्होंने नेटफ्लिक्स के साथ टाइप किया हुआ है तो ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर और सन नेक्स्ट ये दो ओ टी के ऊपर एक साथ देखने को मिलेगी जहाँ पे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन ये फिल्म थिरुचित्रम बलम के नाम के साथ तमिल वर्जन में भी इंग्लिश सबटाइटल देखने को मिलेगी वहीं पे टेलीविजन के ऊपर सन टीवी के टेलीविजन चैनल के ऊपर ये फिल्म तमिल वर्जन में आपको थिरुचित्रम बलम के नाम के साथ बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि इस फिल्म का जो तमिल वर्जन है वो आपको थिरुचित्रम बलम नाम के साथ ओ टी टी प्लेटफॉर्म सन नेक्स्ट एप्लीकेशन और नेटफ्लिक्स के ऊपर एक साथ में देखने को मिलेगी दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर आप इंजॉय कर पाओगे जहाँ पे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन इस फिल्म को अवेलेबल किया हुआ है वहीं पे हिंदी वर्ज सॉरी वहीं पे इस फिल्म के टेलीविजन वर्जन को सन टी वी के ऊपर आप, आप, आप इन्जॉय कर पाओगे वहाँ पे इस फिल्म को थिरुचित्रम बलम नाम के साथ अवेलेबल किया हुआ है तो वहाँ पर फिल्म प्रीमियर करवाई जाएगी बिल्कुल फ्री में हिंदी वर्जन के जो राइट्स है वो शायद तक पता चला हो कि शायद आर के दोगर स्टोरी या गोलमैस खरीद सकती है लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि गोलमैंस के पास इस फिल्म के राइट्स हो सकती है लेकिन अभी तक कोई प्रॉपर कन्फर्मेशन नहीं मिली है लेकिन जैसे ही कन्फर्मेशन मिलेगी वो अपडेट हम आपको दे देंगे लेकिन फिलहाल में ये फिल्म अगर गोलमैंस के पास है तो ये फिल्म को जल्दी डब करवाया जाएगा उसके बाद सेंसर करवाया जाएगा उसके बाद में गोलमाइंस के टेलीविज़न चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा उसके लंबे समय के बाद ही ये फिल्म आपको यूट्यूब पे ऑफिशियली गोलमाइंस के यूट्यूब चैनल के ऊपर हिंदी डब्ड वर्जन में विथिंग सब टाइटल फ्री में देखने को मिलेगी तो इस तरह से थिरुचित्रम बलम फिल्म आपको ऑफिशियली हिंदी तेलुगु दोनों वर्जन में देखने को मिल सकती है थिरुचित्रम बलम जो दो की इंडियन तमिल लैंग्वेज रोमेंटिक फैमिली कॉमेडी ड्रामा फिल्म है इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया है स्क्रीन प्ले डायलॉग डायरेक्शन सभी चीजें मिथ्रन आर जवाहर ने की हुई है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ कालनिथी मारन ने जहाँ पे फिल्म को 30 करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी है सन पिक्चर्स फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है रेड जहेंट मूवीज ने जो तमिल की फिलहाल में एक लीडिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बन रही है और इस फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे धनुष नित्या मेनन इनके अलावा भारती राजा प्रकाश राज राशि खन्ना प्रिया भवानी शंकर मुनिस खान्त सिरंजनी स्टंट शिवा अर्थंगा नसा इसके अर्थंगा निशा विजय पप्पू ए आर रेवती और रेवती ये सभी लोग आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे तो फिल्म की कुछ प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो ओम प्रकाश ने सिनेमेटोग्राफी की हुई है प्रसन्ना जी के ने एडिटिंग की हुई है जहां पर इस फिल्म को 133 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे तेरह मिनट के देखने को मिलेगी इसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट में अनिरुद्ध रविचंद्र का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग सुनने को मिलेंगे जहाँ पर फिल्म में टोटल पाँच गाने हैं तो इस तरह से ये गाने आपको सुनने को मिल जाएंगे यूट्यूब चैनल के ऊपर इसके अलावा इस फिल्म के अब हम प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो दिसंबर 2019 में सन पिक्चर्स ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट किए हुई थी कि वो एक प्रोजेक्ट साइन किए हुए धनुष के साथ जहाँ पे वो एक फैमिली ड्रामा कॉन्सेप्ट होने वाला है जहाँ पे धनुष पहली बार इस एज अ प्रोड्यूसर एक प्रोजेक्ट में काम करेंगे जहाँ पे सन पिक्चर्स के साथ उन्होंने ऑलरेडी पहले एज अ डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे पडिक्वन अदू कलाम और मफी लाइफ जैसी फिल्मों में काम किया हुआ था और इस फिल्म के डायरेक्टर डायरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे मिथुरन आर जवाहर जिन्होंने इससे पहले यारन डिनी मोहिनी करके दो में और उसके बाद में कुट्टी फिल्म को और उत्तमा पुतीरान फिल्म को 2010 में धनुष के साथ डायरेक्ट किया हुआ था तो बताया जा रहा था कि वही इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले लेकिन जैसे ही प्रॉपर डिस्कलोसमेंट हुई तब पता चला कि वही इस फिल्म के डायरेक्टर है वहीं पर अनिरुद्ध रविचंद्र ने अनाउंस किया हुआ था कि वो इस फिल्म का म्यूजिक कंपोज करने वाले अक्टूबर 2020 में फिल्म का जो टाइटल है वो पाँच अगस्त 2021 को अनाउंस किया गया था तिरुचित्रम्बलम बलम जहाँ पे कास्टिंग में पहले तो धनुष के अपोजिट हंसिका मोटवानी को लेने का फैसला लिया जा रहा था मप्पी लाई फिल्म के बाद जहाँ पे ये रूमर निकल के आई हुई थी लेकिन जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई तब पता चला कि नित्या मेनन ने उनके अपोजिट वहीं पे धनुष के फ्रेंड का कैरेक्टर शोभना का रोल प्ले कर रही है एक्ट्रेस वो लिए बाद में राशि खन्ना को भी इस फिल्म में लिया गया प्रिया भवानी शंकर को भी लिया गया इसके अलावा ये दो जो लीड एक्टर हैं उनके अपोजिट धनुष के अपोजिट ही कास्ट की गई लेकिन उनके और किरदार थोड़े छोटे प्रकाश राज भारती राजा को सपोर्टिंग रोल के लिए बाद में साइन किया गया था और रियल किया गया कि हंसिका मोटवा ने नयनतारा समन्तारा इस फिल्म की इनिशियल चॉइसिस थी लेकिन बाद में इस फिल्म की चॉइसिस को चेंज करते हुए दूसरे एक्ट्रेस को लिया गया बजट को ध्यान में रखते हुए प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है। वो फिल्म की पूजा सेरेमनी के साथ चेन्नई में स्टार्ट की गई थी पाँच अगस्त दो को दस अगस्त को प्रकाश राज ने एक छोटा सा ब्रेक लिया हुआ था इस फिल्म की शूटिंग से सर्जरी के चलते उनको कुछ शोल्डर का फ्रैक्चर हुआ था उस वजह से राशि खन्ना ने इस फिल्म का सेट है चेन्नई में ही ज्वाइन किया हुआ था पच्चीस अगस्त को वहीं पे इस फिल्म के कुछ क्रू मेंबर है जो सॉन्ग्स के सीक्वेंस है उसको पौंडीचेरी में शूट किया हुआ था चेन्नई के शेड्यूल के बाद कंप्लीट किया था उस शेड्यूल को लेट अगस्त को इस फिल्म के कुछ सिक्वेंस बाकी थे जहाँ पे धनुष और राशि खन्ना के बीच में कुछ सीन शूट हो रहे थे तो वहाँ से कुछ फोटोज़ लीक हुए थे इंटरनेट के ऊपर जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुके थे सितंबर में एक सॉन्ग शूटिंग हुई थी जहाँ पे धनुष और नित्य मेनन को लेकर उस गाने को कंप्लीट करवाया हुआ था तो जिसको जानी मास्टर ने कोरियोग्राफ किया हुआ था जिसकी शूटिंग है वो आउटस्क्रट पौंडीचेरी में क्रिएट की हुई थी इस फिल्म के कुछ वहां से भी सॉन्ग्स के भी कुछ फुटेज लीक हुई थी वहीं पे इस फिल्म की शूटिंग को पचास इस फिल्म की शूटिंग को पूरी तरह से कंप्लीट करने में करीबन पचास दिन लगे हुए थे और इस फिल्म को अर्ली अक्टूबर 2021 तक कंप्लीट करवाया हुआ था शूट करके बाद में डबिंग मिक्सिंग का काम करते हुए 14 फरवरी 2022 से इस फिल्म को काम करवाया गया था म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म का जो ओरिजिनल स्कोर है बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स का कंपोजिशन है वो अनिरुद्ध रविचंद्र ने किया हुआ है जहाँ पे वो धनुष के साथ करीबन छः साल के बाद इस फिल्म में म्यूज़िक देते हुए नजर आएंगे तो धनुष और उनके बीच में इससे पहले 2015 के थंदंगा मगन में उन्होंने म्यूज़िक दिया हुआ था और ये उनका पांचवा कोलोब्रेशन है धनुष के साथ जहाँ पे उनका पहला कोलोब्रेशन है फिल्म के डायरेक्टर मित्रन जवाहर के साथ इस फिल्म के लिरिसिस्ट थे विवेक जहाँ पे उन्होंने ऑफिशियल अनाउंस की हुई थी कि वो इस फिल्म के गाने को लिरिक्स लिखने वाले बाद में धीरे धीरे अलग अलग, अलग लिरिसिस्ट के पास इन गानों को क्रिएट करवाया हुआ है तो टोटल आपको इस फिल्म में पांच गाने सुनने को मिलेंगे पहला गाना है थाई केलवी जिसके लिरिक्स लिखे हुए धनुष ने सिंगर थे धनुष और एंटनी दसान दूसरा गाना है मेगम कोर जिसके लिरिक्स लिखे हुए धनुष ने सिंगर थे धनुष तीसरा गाना है लाइफ ऑफ पलम जिसके लिरिक्स लिखे हुए विवेक ने सिंगर थे निरुद्ध रविचंदर चौथा गाना है थिनमोली जिसके लिरिक्स लिखे हुए धनुष ने सिंगर थे संतोष नारायण पाँचवा गाना है मै कम कल जिसके लिरिक्स लिखे हुए धनुष ने और सिंगर थे धनुष थे इस तरह से टोटल पाँच गाने थे जिसके लेंथ थी बारह मिनट और ये गाने आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली सुनने को मिल जाएंगे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जहाँ पे ये फिल्म के गाने वो ठीक ठाक थे डिसेंट थे जहाँ पे इस फिल्म के गाने उतने मजबूत नहीं थे लेकिन फिल्म काफ़ी ज़्यादा मज़बूत थी बीजेम भी डिसेंट थी फिल्म की अब हम बात करें इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर तो धनुष ने थीलू चित्रम बल्लम जूनियर का रोल प्ले किया हुआ है एलाइस पलम का रोल प्ले किया हुआ है जो शोभना का बेस्ट फ्रेंड है ट्रू लवर है और बाद में उसका हस्बैंड बन जाता है नित्या मेनन ने शोभना का रोल प्ले किया हुआ है जो पलम की बेस्ट फ्रेंड है उसके बाद में उसकी ट्रू लवर बनती है उसके बाद में वो उसकी वाइफ बन जाती है भारती राजा ने सीनियर तिरुचित्रम पलम का रोल प्ले किया हुआ है जो पलम के ग्रांड फादर है वहीं पे प्रकाश राज इंस्पेक्टर नीला कंडन का रोल प्ले किया हुआ है जो पलम के फादर है राशि खन्ना अनुषा के रोल में दिखाई देंगी जो पलम की फर्स्ट लव इंटरेस्ट है चाइल्ड स्कूल डेज के टाइम से इसके अलावा प्रिया भवानी शंकर रंजनी के रोल में दिखाई देंगी जो पलम की सेकंड लव इंटरेस्ट है उसके गांव के नेटिव विलेज से इसके अलावा मुसीज कांत ने इस फिल्म में सुब्बा राज का रोल प्ले किया हुआ है जो पलम के अंकल है श्रिंजनी ने राजेश्वरी का रोल प्ले किया हुआ है जो शोभना की माँ है वहीं स्टंट सिवा को इस सिल्वा को इस फिल्म में चाइल्ड किडनेपर का रोल दिया गया है अर्थंगी निशा को इस फिल्म में निशा यानी कि शोभराज की वाइफ का रोल दिया गया है विजय पप्पू ने इस फिल्म में अरविंद का रोल प्ले किया हुआ है जो शोभना के यंग ब्रदर है ए रेवती ने इस फिल्म में पलम की ग्रांड मदर का रोल प्ले किया हुआ है रेवती को इस फिल्म में पलम की माँ का रोल दिया गया था जिनका एक कीमी अपीरियंस था तो ये फिल्म की इतनी प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने ये इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं फिल्म की कहानी काफ़ी सिंपल है वहाँ पे ज़रूर आपको थोड़ा बहुत स्क्रीन प्ले में आपको ट्विस्ट देखने को मिलेंगे लेकिन और फिल्म को काफ़ी सिंपल मैनर में स्क्रीन प्ले में सेट किया हुआ है लेकिन स्क्रीन प्ले को जिस तरह से चलाया हुआ है वो मजबूत था इसके ऊपर जो परफॉर्मेंसेस देखने को मिलती है धनुष की नित्या मेनन की वो काफ़ी शानदार थी सपोर्टिंग आर्टिस्ट ने भी को भी तरीके से इन सभी किरदार को सपोर्ट दिया हुआ है तो ओवरऑल फिल्म की सब जो कास्टिंग है वो काफ़ी परफेक्ट वे में की गई थी उसकी परफॉर्मेंसेस काफ़ी बढ़िया थी डायरेक्शन मित्रन आर जवाहर का देखने को मिलेगा जिन्होंने काफ़ी ऑन दी पॉइंट फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है फिल्म में ऐसा कुछ नयापन तो नहीं है लेकिन जिस तरह से ट्रीटमेंट की हुई है जिस तरह से फिल्म को चलाया हुआ है स्क्रीन प्ले है। वो सभी चीज़ें फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाती है काफ़ी सारी चीज़ों को एंगेजिंग मैनर में दिखाया हुआ है ऐसा नहीं कि आपने पहले नहीं देखा है देखा हुआ है लेकिन जिस तरह से वो दिखा रहे थे कहानी को सुना रहे थे उनके नरेशन में वो दम नजर आ रहा था जिस वजह से पूरी फिल्म आपको पसंद आएगी फिल्म में कॉमेडी भी देखने को मिलेगी रोमेंस देखने को मिलेगा फैमिली देखने ड्रामा देखने को मिलेगा तो सभी का कॉम्बो काफी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ है डायलॉग्स भी काफी विटी देखने को मिलते हैं प्रोडक्शन में काफी बढ़िया काम देखने को मिलता है फिल्म के हर एक फ्रेम में काफ़ी बढ़िया तरीके से कुछ काम किया हुआ ऐसा नजर आएगा सिनेमेटोग्राफी काफ़ी अच्छी थी कैमरा वर्क बढ़िया तरीके से देखने को मिलेगा एडिटिंग भी फिल्म की काफ़ी बढ़िया थी क्रिस्प मैनर में की गई थी म्यूज़िक की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर अच्छा था लेकिन सॉन्ग्स उतने अप टू तो द मार्क वाले नहीं सुनने को मिलते इसके अलावा इस फिल्म की जो कलर टोन है कलर ग्रेडिंग है बढ़िया है इसके अलावा फिल्म की कास्टिंग के ऊपर काम जो किया हुआ है वो अच्छा है लीड एक्टर्स को जिस तरह से स्टाइलाइज किया हुआ था वो बढ़िया था साथ ही में इस फिल्म के वन लाइनर पंचज़ भी काफ़ी अच्छी तरीके से डिलीवर किए गए अब बात करें इस फिल्म के रिलीज़ के ऊपर तो अब ये फिल्म ज़रूर देख सकते हो अच्छी खासी फिल्म है अब अब बात कर लेते हैं रिलीज़ के ऊपर 18 अगस्त 2022 को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म को काफ़ी लो एक्सपेक्टेशन के साथ रिलीज़ किया ऐसा मान सकते हैं क्योंकि इस फिल्म का कोई बज़ नहीं था मार्केट में और धनुष की काफ़ी लंबे समय के बाद ये पहली थिएट्रिकल रिलीज़ थी करीबन एक दो साल से उनकी कोई फिल्म ऐसी थिएटर में प्रॉपर वे में रिलीज़ नहीं हुई थी इससे पहले 2021 में उनकी कर्न फिल्म आई थी उसके बाद जग में थन्देराम फिल्म आई थी 2021 हज़ार इक्कीस में दो हज़ार में अतरंगी रे फिल्म आई थी वहीं पे मारन फिल्म 2022 में आई थी द ग्रे मैन फिल्म आई थी 2022 में तो ये टोटल इस फिल्म पाँच फिल्में आई थी उनकी वो डायरेक्ट ओ के ऊपर स्ट्रीम की गई थी तो ओवरऑल देखा जाए काफ़ी लंबे समय के बाद वो थिएटर में कम करते हुए नज़र आते जहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस के थ्रू जिस तरह से फिल्म को उन्होंने बनाया हुआ है वो काफ़ी दमदार था जहाँ पे 18 अगस्त जब 2022 को फिल्म को रिलीज़ किया गया तब बिना एक्सपेक्टेशन के साथ बहुत कम बस चल रहा था मार्केट में फिल्म को रिलीज़ किया गया लेकिन फिल्म ने जो दमदार कलेक्शन किया हुआ है वो काबिल ले तारीफ है फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ इतना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ निकल के आया है जिसके चलते ये फिल्म हर दिन बढ़िया कलेक्शन करती रही और काफ़ी लंबे समय तक काफ़ी लंबा रन लेने के बाद फिल्म में काफ़ी बढ़िया कलेक्शन करते हुए एक प्रॉफिटेबल वेंचर फिल्म साबित हुई जहाँ पे बॉक्स ऑफिस पे एक ब्लॉकबस्टर का टैग लेने में कामयाब रही इस फिल्म कॉमिडी पे करीबन छत्तीस सौ वोट मिले हुए जिसमें आठ पॉइंट दो की रेटिंग हासिल हुई है दस में से इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म को कितना पॉजिटिव साइड में रिस्पांस मिला हुआ था अब हम बात करें इस फिल्म के बजट के ऊपर तो तीस करोड़ का बजट लगाया हुआ है उसके सामने फिल्म ने धमाका करते हुए बॉक्स ऑफिस पे करीबन सौ करोड़ के आसपास का क्रॉस कलेक्शन किया हुआ है सौ करोड़ के ऊपर के आसपास का तो इसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बॉक्स ऑफिस पे 100 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ है फिल्म ने और ये तमिलनाडु की 2022 में जितनी भी फिल्में रिलीज़ हुई है उसमें वन ऑफ दी हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में से एक फिल्म साबित हुई पहले दिन फिल्म को करीबन नौ करोड़ की ओपनिंग मिली हुई थी धनुष के स्टारडम के हिसाब से उसके बाद में इस फिल्म को डे बाय डे पॉजिटिव रिस्पांस के चलते दूसरे दिन भी अच्छी खासी ओपनिंग मिली तो दो दिनों में इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बीस करोड़ का क्रॉस कलेक्शन किया पहले दिन सिर्फ तमिलनाडु से ही छः करोड़ का कलेक्शन निकल के आया था तीन दिनों का जो कलेक्शन था वीकेंड कलेक्शन वो करीबन तैंतीस करोड़ के आसपास का बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन निकल के आया हुआ था और उसके बाद में इस फिल्म ने जिस तरह से जिस कदर कलेक्शन किया वो काबिल तारीफ था उसके बाद में तो इस फिल्म ने पचास करोड़ का भी क्रॉस मार्क हासिल किया उसके बाद में नौवे दिन फिल्म ने करीबन चौंसठ करोड़ तक का ग्रोस कलेक्शन कर लिया था तेरहवें दिन तक फिल्म ने सौ करोड़ का मार्क हासिल करते हुए करीबन एक सौ दस करोड़ के ज़्यादा का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन किया और वन ऑफ दी हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म साबित हुई दो हज़ार बाईस की तमिल लैंग्वेज के लिए और साथ ही में धनुष के करियर की भी शायद सेकेंड या थर्ड हाइस्ट ग्रोसिंग ऐसी फिल्म साबित हुई जिसने सौ करोड़ के पार का कलेक्शन करके दिखाया तो अब इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फिल्म कितनी बड़ी हिट साबित हुई थी बॉक्स ऑफिस पर कितना धमाका मचाया था तो अगर आपको अब ये फिल्म देखनी है तो कहाँ पे देख सकते हो उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं इस फिल्म के जो ओ टी राइट्स है सैटेलाइट से, राइट्स है वो दोनों राइट्स सन नेटवर्क ने अपने पास ही रखे हुए वही इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं जहाँ पे टीवी के राइट्स तो प्योरली उनके पास है लेकिन ओ राइट्स है वो उन्होंने नेटफ्लिक्स के साथ टाइप किया हुआ है तो ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर और सन नेक्स्ट ये दो ओ टी के ऊपर एक साथ देखने को मिलेगी जहाँ पे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन ये फिल्म थिरु चित्रम्बलम के नाम के साथ तमिल वर्जन में भी इंग्लिश सबटाइटल देखने को मिलेगी वहीं पे टेलीविज़न के ऊपर सन टीवी के टेलीविज़न चैनल के ऊपर ये फिल्म तमिल वर्जन में आपको थिरु चित्रम्बलम के नाम के साथ बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि इस फिल्म का जो तमिल वर्जन है वो आपको थिरुचित्रम बलम नाम के साथ ओ टी टी प्लेटफॉर्म सन नेक्स्ट एप्लीकेशन और नेटफ्लिक्स के ऊपर एक साथ में देखने को मिलेगी दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर आप इन्जॉय कर पाओगे जहाँ पे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन इस फिल्म को अवेलेबल किया हुआ है वहीं पे हिंदी वर्जन सॉरी वहीं पे इस फिल्म के टेलीविजन वर्जन को सन टीवी के ऊपर आप आप इन्जॉय कर पाओगे वहाँ पे इस फिल्म को थिरुचित्रम बलम नाम के साथ अवेलेबल किया हुआ है तो वहाँ पर फिल्म प्रीमियर करवाई जाएगी बिल्कुल फ्री में हिंदी वर्जन के जो राइट्स है वो शायद तक पता चला हो कि शायद आर के दोगल स्टोडियो या गोलमैंस खरीद सकती है लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि गोलमैंस के पास इस फिल्म के राइट्स हो सकती है लेकिन अभी तक कोई प्रॉपर कन्फर्मेशन नहीं मिली है लेकिन जैसे ही कन्फर्मेशन मिलेगी वो अपडेट हम आपको दे देंगे लेकिन फिलहाल में ये फिल्म अगर गोलमैंस के पास है तो ये फिल्म को जल्दी डब करवाया जाएगा उसके बाद सेंसर करवाया जाएगा उसके बाद में गोलमैंस के टेलीविजन चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा उसके लंबे समय के बाद ही ये फिल्म आपको यूट्यूब पे ऑफिशियली गोलम्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर हिंदी डप्ट वर्जन में भी इंग्लिश सब फ्री में देखने को मिलेगी तो इस तरह से थिरुचित्रम बलम फिल्म आपको ऑफिशियली हिंदी तेलुगु दोनों वर्जन में देखने को मिल सकती है थिरुचित्र बलम जो दो की इंडियन तमिल लैंग्वेज रोमांटिक फैमिली कॉमेडी ड्रामा फिल्म है इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया है स्क्रीन प्ले डायलॉग डायरेक्शन सभी चीज़ें मिथरन आर जवाहर ने की हुई है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है कालनीथी मारन ने जहाँ पर फिल्म को तीस करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सन पिक्चर्स फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है रेड जैंट मूवीज ने जो तमिल की फिलहाल में एक लीडिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बन रही है और इस फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे धनुष नित्या मेनन इनके अलावा भारती राजा प्रकाश राज राशि खन्ना प्रिया भवानी शंकर मुनिस खान्त सिंजनी स्टंट सिवा अर्थंगा नसा इसके अर्थंगा निशा विजय पप्पू ए आर रेवती और रेवती ये सभी लोग आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे तो फिल्म की कुछ प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो ओम प्रकाश ने सिनेमेटोग्राफी की हुई है प्रसन्ना जी के ने एडिटिंग की हुई है जहां पर इस फिल्म को 133 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे तेरह मिनट के देखने को मिलेगी इसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में अनिरुद्ध रविचंद्र का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग सुनने को मिलेंगे जहाँ पर फिल्म में टोटल पाँच गाने हैं तो इस तरह से ये गाने आपको सुनने को मिल जाएंगे यूट्यूब चैनल के ऊपर इसके अलावा इस फिल्म के अब हम प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो दिसंबर 2019 में सन पिक्चर्स ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट किए हुई थी कि वो एक प्रोजेक्ट साइन किए हुए धनुष के साथ जहां पे वो एक फैमिली ड्रामा कॉन्सेप्ट होने वाला है जहाँ पे धनुष पहली बार इस एस एज अ प्रोड्यूसर एक प्रोजेक्ट में काम करेंगे जहाँ पे सन पिक्चर्स के साथ उन्होंने ऑलरेडी पहले एज अ डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे पडिक कावन अदू और मपी लाइफ जैसी फिल्मों में काम किया हुआ था और इस फिल्म के डायरेक्टर डायरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे मिथरन आर जवाहर जिन्होंने इससे पहले यारन डिनी मोहिनी करके 2008 में और उसके बाद में कुट्टी फिल्म को और उत्तमा पुतिरान फिल्म को 2010 में धन के साथ डायरेक्ट किया हुआ था तो बताया जा रहा था कि वही इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले लेकिन जैसे ही प्रॉपर डिस्कलोसमेंट हुई तब पता चला कि वही इस फिल्म के डायरेक्टर है वहीं पर अनिरुद्ध रविचंद्र ने अनाउंस किया हुआ था कि वो इस फिल्म का म्यूजिक कंपोज करने वाले अक्टूबर 2020 में फिल्म का जो टाइटल है वो पाँच अगस्त 2021 को अनाउंस किया गया था तिरुचित्रम्बलम जहाँ पे कास्टिंग में पहले तो धनुष के अपोजिट हंसिका मोटवानी को लेने का फैसला लिया जा रहा था लाई फिल्म के बाद जहाँ पे ये रोमर निकल के आई हुई थी लेकिन जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई तब पता चला कि नित्या मेनन ने उनके अपोजिट वहीं पे धनुष के फ्रेंड का कैरेक्टर शोभना का रोल प्ले कर रही है एक्ट्रेस को लिए बाद में राशि खन्ना को भी इस फिल्म में लिया गया प्रिया भवानी शंकर को भी लिया गया इसके अलावा ये दो जो लीड एक्टर हैं उनके अपोजिट धनुष के अपोजिट ही कास्ट की गई लेकिन उनके और किरदार थोड़े छोटे हैं प्रकाश राज भारती राजा को सपोर्टिंग रोल के लिए बाद में साइन किया गया था और रियल किया गया कि हंसिका मोटवानी नयनतारा समंताना इस फिल्म की इनिशियल चॉइसिस थी लेकिन बाद में इस फिल्म की चॉइसेस को चेंज करते हुए दूसरी एक्ट्रेस को लिया गया बजट को ध्यान में रखते हुए प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो फिल्म की पूजा सेरेमनी के साथ चेन्नई में स्टार्ट की गई थी पाँच अगस्त दो को दस अगस्त को प्रकाश राज ने एक छोटा सा ब्रेक लिया हुआ था इस फिल्म की शूटिंग से सर्जरी के चलते उनको कुछ शोल्डर का फ्रैक्चर हुआ था उस वजह से राशि खन्ना ने इस फिल्म का सेट है चेन्नई में ही ज्वाइन किया हुआ था पच्चीस अगस्त को वहीं पे इस फिल्म के कुछ क्रू मेंबर है जो सॉन्ग्स के सीक्वेंस है उसको पाण्डिचेरी में शूट किया हुआ था चेन्नई के शेड्यूल के बाद कंप्लीट किया था उस शेड्यूल को लेट अगस्त को इस फिल्म के कुछ सुख बाकी थे जहाँ पे धनुष और राशि खन्ना के बीच में कुछ सीन शूट हो रहे थे तो वहाँ से कुछ फ़ोटोज़ लीक हुए थे इंटरनेट के ऊपर जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुके थे सितंबर में एक सॉन्ग की शूटिंग हुई थी जहाँ पे धनुष और नित्य मेनन को लेकर उस गाने को कंप्लीट करवाया हुआ था तो जिसको जानी मास्टर ने कोरियोग्राफ किया हुआ था जिसकी शूटिंग वो आउटस्क्रट पौंडीचेरी में क्रिएट की हुई थी इस फिल्म के कुछ वहाँ से भी सॉन्ग्स के भी कुछ फुटेज लीक हुई थी वहीं पे इस फिल्म की शूटिंग को पचास इस फिल्म की शूटिंग को पूरी तरह से कंप्लीट करने में करीबन पचास दिन लगे हुए थे और इस फिल्म को अर्ली अक्टूबर 2021 तक कंप्लीट करवाया हुआ था शूट करके बाद में डबिंग मिक्सिंग का, का काम करते हुए 14 फरवरी 2022 से इस फिल्म को काम करवाया गया था म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म का जो ओरिजिनल स्कोर है बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स का कंपोजिशन है वो अनिरुद्ध रविचंद्र ने किया हुआ है जहाँ पे वो धनुष के साथ करीबन छः साल के बाद इस फिल्म में म्यूज़िक देते हुए नजर आएंगे तो धनुष और उनके बीच में इससे पहले दो हज़ार पंद्रह के थंदंगा मगन में उन्होंने म्यूजिक दिया हुआ था और ये उनका पांचवा कोलोब्रेशन है धनुष के साथ जहाँ पे उनका पहला ग्रो कोलोब्रेशन है फिल्म के डायरेक्टर मित्रन जवाहर के साथ इस फिल्म के लिरिसिस्ट थे विवेक जहाँ पे उन्होंने ऑफिशियल अनाउंस की हुई थी कि वो इस फिल्म के गाने को लिरिक्स लिखने वाले बाद में धीरे धीरे अलग अलग, अलग लिरिसिस्ट के पास इन गानों को क्रिएट करवाया हुआ है तो टोटल आपको इस फिल्म में पांच गाने सुनने को मिलेंगे पहला गाना है थाई के लवी जिसके लिरिक्स लिखे हुए धनुष ने सिंगर थे धनुष और एंटनी दसान दूसरा गाना है मेगम कोरकुत्ता जिसके लिरिक्स लिखे हुए धनुष ने सिंगर थे धनुष तीसरा गाना है लाइफ ऑफ पलम जिसके लिरिक्स लिखे हुए विवेक ने सिंगर थे निरुद्ध रविचंद्र चौथा गाना है थिन मोली जिसके लिरिक्स लिखे हुए धनुष ने सिंगर थे संतोष नारायण पाँचवा गाना है मै कम कलकम जिसके लिरिक्स लिखे हुए धनुष ने और सिंगर थे धनुष थे इस तरह से टोटल पाँच गाने थे जिसके लेंथ थी बारह मिनट और ये गाने आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली सुनने को मिल जाएंगे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जहाँ पे ये फिल्म के गाने वो ठीक ठाक थे डिसेंट थे जहाँ पे इस फिल्म के गाने उतने मजबूत नहीं थे लेकिन फिल्म काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी बीजेम भी रिसेंट थी फिल्म की अब हम बात करें इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर तो धनुष ने थिरुचित्रम बल्लम जूनियर का रोल प्ले किया हुआ है एलाइस पलम का रोल प्ले किया हुआ है जो शोभना का बेस्ट फ्रेंड है ट्रू लवर है और बाद में उसका हस्बैंड बन जाता है नित्या मेनन ने शोभना का रोल प्ले किया हुआ है जो पलम की बेस्ट फ्रेंड है उसके बाद में उसकी ट्रू लवर बनती है उसके बाद में वो उसकी वाइफ बन जाती है भारती राजा ने सीनियर तिरुचित्रम पलम का रोल प्ले किया हुआ है जो पलम के ग्रांड फादर है वहीं पे प्रकाश राज ने इंस्पेक्टर नीला का रोल प्ले किया हुआ है जो पलम के फादर है राशि खन्ना अनुषा के रोल में दिखाई देंगी जो पलम की फर्स्ट लव इंटरेस्ट है चाइल्ड स्कूल डेज के टाइम से इसके अलावा प्रिया भवानी शंकर रंजनी के रोल में दिखाई देंगी जो पलम की सेकंड लव इंटरेस्ट है उसके गांव के नेटिव विलेज से इसके अलावा कांत ने इस फिल्म में सुब्बा राज का रोल प्ले किया हुआ है जो पलम के अंकल है सिरंजनी ने राजेश्वरी का रोल प्ले किया हुआ है जो शोभना की माँ है वहीं पिस्टान सिवा को इस को इस फिल्म में चाइल्ड किडनेपर का रोल दिया गया है अर्थंगी निशा को इस फिल्म में निशा यानी कि सोभराज की वाइफ का रोल दिया गया है विजय पप्पू ने इस फिल्म में अरविंद का रोल प्ले किया हुआ है जो शोभना के यंग ब्रदर है ए रेवती ने इस फिल्म में पलम की ग्रांड मदर का रोल प्ले किया हुआ है रेवती को इस फिल्म में पलम की माँ का रोल दिया गया था जिनका एक केमी अपीरियंस था तो ये फिल्म की इतनी प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने ये इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं फिल्म की कहानी काफ़ी सिंपल है वहाँ पे ज़रूर आपको थोड़ा बहुत स्क्रीन प्ले में आपको ट्विस्ट टर्न्स देखने को मिलेंगे लेकिन और फिल्म को काफ़ी सिंपल मैनर में स्क्रीन प्ले में सेट किया हुआ लेकिन स्क्रीन प्ले को जिस तरह से चलाया हुआ है वो मजबूत था इसके ऊपर जो परफॉर्मेंसेस देखने को मिलती है धनुष की नित्या मेनन की वो काफ़ी शानदार थी सपोर्टिंग आर्टिस्ट ने भी बेहबूबी तरीके से इन सभी किरदार को सपोर्ट दिया हुआ है तो ओवरऑल फिल्म की सब जो कास्टिंग है वो काफ़ी परफेक्ट वे में की गई थी उसकी परफॉर्मेंसेस काफ़ी बढ़िया थी डायरेक्शन मित्रन आर जवाहर का देखने को मिलेगा जिन्होंने काफ़ी ऑन दी पॉइंट फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है फिल्म ऐसा कुछ नयापन तो नहीं है लेकिन जिस तरह से ट्रीटमेंट की हुई है जिस तरह से फिल्म को चलाया हुआ है स्क्रीन प्ले है। वो सभी चीज़ें फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाती है काफ़ी सारी चीज़ों को एंगेजिंग मैनर में दिखाया हुआ है ऐसा नहीं कि आपने पहले नहीं देखा है देखा हुआ है लेकिन जिस तरह से वो दिखा रहे थे कहानी को सुना रहे थे उनके नरेशन में वो दम नज़र आ रहा था जिस वजह से पूरी फिल्म आपको पसंद आएगी फिल्म में कॉमेडी भी देखने को मिलेगी रोमेंस देखने को मिलेगा फैमिली देखने ड्रामा देखने को मिलेगा तो सभी का कॉम्बो काफ़ी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ है डायलॉग्स भी काफ़ी वीटी देखने को मिलते हैं प्रोडक्शन में काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलता है फिल्म के हर एक फ्रेम में काफ़ी बढ़िया तरीके से कच काम किया हुआ ऐसा नज़र आएगा सिनेमेटोग्राफी काफ़ी अच्छी थी कैमरा वर्क बढ़िया तरीके से देखने को मिलेगा एडिटिंग भी फिल्म की काफ़ी बढ़िया थी क्रिस्प मैनर में की गई थी म्यूज़िक की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर अच्छा था लेकिन सॉन्ग्स उतने अप टू द मार्क वाले नहीं सुनने को मिलते इसके अलावा इस फिल्म की जो कलर टोन है कलर ग्रेडिंग है बढ़िया है इस इसके अलावा फिल्म की कास्टिंग के ऊपर काम जो किया हुआ है वो अच्छा है लीड एक्टर्स को जिस तरह से स्टाइलाइज किया हुआ था वो बढ़िया था साथ ही में इस फिल्म के वन लाइनर और भी काफ़ी अच्छी तरीके से डिलीवर किए गए अब बात करें इस फिल्म के रिलीज़ के ऊपर तो अब ये फिल्म ज़रूर देख सकते हो अच्छी खासी फिल्में अब अब बात कर लेते हैं रिलीज़ के ऊपर 18 अगस्त 2022 को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जहां पे इस फिल्म को काफ़ी लो एक्सपेक्टेशन के साथ रिलीज़ किया ऐसा मान सकते हैं क्योंकि इस फिल्म का कोई बज नहीं था मार्केट में और धनुष की काफ़ी लंबे समय के बाद ये पहली थिएट्रिकल रिलीज़ थी करीबन एक दो साल से उनकी कोई फिल्म ऐसी थिएटर में प्रॉपर वे में रिलीज़ नहीं हुई थी इससे पहले 2021 में उनकी कर्न फिल्म आई थी उसके बाद जग में थन्देराम फिल्म आई थी 2021 में 2021 में अतरंग की इक्कीस रे फिल्म आई थी वहीं पे मारन फिल्म 2022 में आई थी द ग्रे मैन फिल्म आई थी 2022 में तो ये टोटल इस फिल्म पाँच फिल्में आई थी उनकी वो डायरेक्ट ओ के ऊपर स्ट्रीम की गई थी तो ओवरऑल देखा जाए काफी लंबे समय के बाद वो थिएटर में कम करते हुए नजर आते जहाँ पे उनकी ये के थ्रू जिस तरह से फिल्म को उन्होंने बनाया हुआ है वो काफ़ी दमदार था जहाँ पे 18 अगस्त जब 2022 को फिल्म को रिलीज़ किया गया तब बिना एक्सपेक्टेशन के साथ बहुत कम बस चल रहा था मार्केट में फिल्म को रिलीज़ किया गया लेकिन फिल्म ने जो दमदार कलेक्शन किया हुआ है वो काफिले तारीफ है फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ इतना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ निकल के आया है जिसके चलते ये फिल्म हर दिन बढ़िया कलेक्शन करती रही और काफ़ी लंबे समय तक काफ़ी लंबा रन लेने के बाद फिल्म में काफ़ी बढ़िया कलेक्शन करते हुए एक प्रॉफिटेबल वेंचर फिल्म साबित हुई जहाँ पे बॉक्स ऑफिस पे एक ब्लॉकबस्टर का टेग लेने में कामयाब रही इस फिल्म को आई पे करीबन छत्तीस सौ वोट मिले हुए जिसमें आठ पॉइंट दो की रेटिंग हासिल हुई है दस में से इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म को कितना पॉजिटिव साइड में रिस्पांस मिला हुआ था अब हम बात करें इस फिल्म के बजट के ऊपर तो तीस करोड़ का बजट लगाया हुआ है उसके सामने फिल्म ने धमाका करते हुए बॉक्स ऑफिस पे करीबन सौ करोड़ के आसपास का क्रॉस कलेक्शन किया हुआ है सौ करोड़ के ऊपर के आसपास का तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बॉक्स ऑफिस पे 100 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ है फिल्म ने और ये तमिलनाडु की 2022 में जितनी भी फिल्में रिलीज़ हुई है उसमें वन ऑफ दी हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में से एक फिल्म साबित हुई पहले दिन फिल्म को करीबन नौ करोड़ की ओपनिंग मिली हुई थी धनुष के स्टारडम के हिसाब से उसके बाद में इस फिल्म को डे बाय डे पॉजिटिव रिस्पांस के चलते दूसरे दिन भी अच्छी खासी ओपनिंग मिली तो दो दिनों में इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बीस करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया पहले दिन सिर्फ तमिलनाडु से ही छः करोड़ का कलेक्शन निकल के आया था तीन दिनों का जो कलेक्शन था वीकेंड कलेक्शन वो करीबन तैंतीस करोड़ के आसपास का बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन निकल के आया हुआ था और उसके बाद में इस फ़िल्म ने जिस तरह से जिस कदर कलेक्शन किया वो काबिल तारीफ था उसके बाद में तो इस फिल्म ने 50 करोड़ का भी क्रॉस मार्क हासिल किया उसके बाद में नवे दिन फ़िल्म ने करीबन चौंसठ करोड़ तक का ग्रोस कलेक्शन कर लिया था तेरहवें दिन तक फिल्म ने सौ करोड़ का मार्क हासिल करते हुए करीबन एक सौ दस करोड़ के ज़्यादा का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन किया और वन ऑफ दी हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म साबित हुई दो हज़ार बाईस की तमिल लैंग्वेज के लिए और साथ ही में धनुष के करियर की भी शायद सेकेंड या थर्ड हाइस्ट ग्रोसिंग ऐसी फिल्म साबित हुई जिसने सौ करोड़ के पार का कलेक्शन करके दिखाया तो अब इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह फिल्म कितनी बड़ी हिट साबित हुई थी बॉक्स ऑफिस पे कितना धमाका मचाया था तो अगर आपको अब ये फिल्म देखनी है तो कहाँ पे देख सकते हो उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं इस फिल्म के जो ओ राइट्स है सैटेलाइट राइट्स है वो दोनों राइट्स सन नेटवर्क ने अपने पास ही रखे हुए हैं वही इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं जहाँ पे टीवी के राइट्स तो प्योरली उनके पास है लेकिन ओ राइट्स है वो उन्होंने नेटफ्लिक्स के साथ टाइप किया हुआ है तो ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर और सन नेक्स्ट ये दो ओ टी के ऊपर एक साथ देखने को मिलेगी जहाँ पे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन ये फिल्म थिरुचित्रम बलम के नाम के साथ तमिल वर्जन में भी इंग्लिश सबटाइटल देखने को मिलेगी वहीं पे टेलीविजन के ऊपर सन टीवी के टेलीविजन चैनल के ऊपर ये फिल्म तमिल वर्जन में आपको थीलू बलम के नाम के साथ बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि इस फिल्म का जो तमिल वर्जन है वो आपको थिरुचित्रम बलम नाम के साथ ओ टी टी प्लेटफॉर्म सन नेक्स्ट एप्लीकेशन और नेटफ्लिक्स के ऊपर एक साथ में देखने को मिलेगी दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर आप इन्जॉय कर पाओगे जहाँ पे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन इस फिल्म को अवेलेबल किया हुआ है वहीं पे हिंदी वर्जन सॉरी वहीं पे इस फिल्म के टेलीविजन वर्जन को सन टी के ऊपर आप आप इन्जॉय कर पाओगे वहाँ पे इस फिल्म को थिरुचित्रम बलम नाम के साथ अवेलेबल किया हुआ है तो वहाँ पर फिल्म प्रीमियर करवाई जाएगी बिल्कुल फ्री में हिंदी वर्जन के जो राइट्स है वो शायद तक पता चला हो कि शायद आर के दोगा स्टोरी या गोलमैस खरीद सकती है लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि गोलमैंस के पास इस फिल्म के राइट्स हो सकती है लेकिन अभी तक कोई प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं मिली है लेकिन जैसे ही कन्फर्मेशन मिलेगी वो अपडेट हम आपको दे देंगे लेकिन फिलहाल में ये फिल्म अगर गोलमैंस के पास है तो ये फिल्म को जल्दी डब करवाया जाएगा उसके बाद सेंसर करवाया जाएगा उसके बाद में गोलमाइंस के टेलीविज़न चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा उसके लंबे समय के बाद ही ये फिल्म आपको यूट्यूब पे ऑफिशियली गोलमाइंस के यूट्यूब चैनल के ऊपर हिंदी डब्ड वर्जन में वी इंग्लिश सब फ्री में देखने को मिलेगी तो इस तरह से थिरुचित्रम बलम फिल्म आपको ऑफिशियली हिंदी तेलुगु दोनों वर्जन में देखने को मिल सकती है थिरुचित्र बलम जो दो की इंडियन तमिल लैंग्वेज रोमांटिक फैमिली कॉमेडी ड्रामा फिल्म है इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया है स्क्रीन प्ले डायलॉग डायरेक्शन सभी चीजें मिथरन आर जवाहर ने की हुई है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ कालनीथी मारन ने जहाँ पे फिल्म को 30 करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सन पिक्चर्स फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है रेड जहेंट मूवीज ने जो तमिल की फिलहाल में एक लीडिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बन रही है और इस फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे धनुष नित्या मेनन इनके अलावा भारती राजा प्रकाश राज राशि खन्ना प्रिया भवानी शंकर मुनिष कांत सृंजनी स्टंट शिवा अर्थंगा नसा इसके अर्थंगा निशा विजय पप्पू ए आर रेवती और रेवती ये सभी लोग आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे तो फिल्म की कुछ प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो ओम प्रकाश ने सिनेमेटोग्राफी की हुई है प्रसन्ना जी के ने एडिटिंग की हुई है जहां पर इस फिल्म को 133 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे तेरह मिनट के देखने को मिलेगी इसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट में अनिरुद्ध रविचंद्र का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग सुनने को मिलेंगे जहाँ पर फिल्म में टोटल पाँच गाने हैं तो इस तरह से ये गाने आपको सुनने को मिल जाएंगे यूट्यूब चैनल के ऊपर इसके अलावा इस फिल्म के अब हम प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो दिसंबर 2019 में सन पिक्चर्स ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट की हुई थी कि वो एक प्रोजेक्ट साइन किए हुए धनुष के साथ जहाँ पे वो एक फैमिली ड्रामा कॉन्सेप्ट होने वाला है जहाँ पे धनुष पहली बार इस एस एज अ प्रोड्यूसर एक प्रोजेक्ट में काम करेंगे जहाँ पे सन पिक्चर्स के साथ उन्होंने ऑलरेडी पहले एज अ डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे पडिक कावन अदू और मफ़ी लाइफ जैसी फिल्मों में काम किया हुआ था और इस फिल्म के डायरेक्टर डायरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे मिथुरन आर जवाहर जिन्होंने इससे पहले यारन डिनी मोहिनी करके 2008 में और उसके बाद में कुट्टी फिल्म को और उत्तमा पुतिरान फिल्म को 2010 में धन के साथ डायरेक्ट किया हुआ था तो बताया जा रहा था कि वही इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले लेकिन जैसे ही प्रॉपर डिस्कलोसमेंट हुई तब पता चला कि वही इस फिल्म के डायरेक्टर है वहीं पर अनिरुद्ध रविचंद्र ने अनाउंस किया हुआ था कि वो इस फिल्म का म्यूजिक कंपोज करने वाले अक्टूबर 2020 में फिल्म का जो टाइटल है वो पाँच अगस्त 2021 को अनाउंस किया गया था तिरुचित्रम बलम जहाँ पे कास्टिंग में पहले तो धनुष के अपोजिट हंसिका मोटवानी को लेने का फैसला लिया जा रहा था मप्पी लाई फिल्म के बाद जहाँ पे ये रूमर निकल के आई हुई थी लेकिन जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई तब पता चला कि नित्या मेनन ने उनके अपोजिट वहीं पे धनुष के फ्रेंड का कैरेक्टर शोभना का रोल प्ले कर रही एक्ट्रेस को लिए बाद में राशि खन्ना को भी इस फिल्म में लिया गया प्रिया भवानी शंकर को भी लिया गया इसके अलावा ये दो जो लीड एक्टर हैं उनके अपोजिट धनुष के अपोजिट ही कास्ट की गई लेकिन उनके और किरदार थोड़े छोटे प्रकाश राज भारती राजा को सपोर्टिंग रोल के लिए बाद में साइन किया गया था और रियल किया गया कि हंसिका मोटवानी नयनतारा समन्तारा इस फिल्म की इनिशियल चॉइसेस थी लेकिन बाद में इस फिल्म की चॉइसिस को चेंज करते हुए दूसरे एक्ट्रेस को लिया गया बजट को ध्यान में रखते हुए प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है। वो फिल्म की पूजा सेरेमनी के साथ चेन्नई में स्टार्ट की गई थी पाँच अगस्त दो को दस अगस्त को प्रकाश राज ने एक छोटा सा ब्रेक लिया हुआ था इस फिल्म की शूटिंग से सर्जरी के चलते उनको कुछ शोल्डर का फ्रैक्चर हुआ था उस वजह से राशि खन्ना ने इस फिल्म का सेट है चेन्नई में ज्वाइन किया हुआ था पच्चीस अगस्त को वहीं पे इस फिल्म के कुछ क्रू मेंबर है जो सॉन्ग्स के सीक्वेंस है उसको पौंडीचेरी में शूट किया हुआ था चेन्नई के शेड्यूल के बाद कंप्लीट किया था उस शेड्यूल को लेट अगस्त को इस फिल्म के कुछ सिक्वेंस बाकी थे जहाँ पे धनुष और राशि खन्ना के बीच में कुछ सीन शूट हो रहे थे तो वहाँ से कुछ फोटोज़ लीक हुए थे इंटरनेट के ऊपर जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुके थे सितंबर में एक सॉन्ग शूटिंग हुई थी जहाँ पे धनुष और नित्य मेनन को लेकर उस गाने को कम्प्लीट करवाया हुआ था तो जिसको जानी मास्टर ने कोरियोग्राफ किया हुआ था जिसकी शूटिंग वो आउटस्क्रट पौंडीचेरी में क्रिएट की हुई थी इस फिल्म के कुछ वहां से भी सॉन्ग्स के भी कुछ फुटेज लीक हुई थी वहीं पे इस फिल्म की शूटिंग को पचास इस फिल्म की शूटिंग को पूरी तरह से कंप्लीट करने में करीबन पचास दिन लगे हुए थे और इस फिल्म को अर्ली अक्टूबर 2021 तक कंप्लीट करवाया हुआ था शूट करके बाद में डबिंग मिक्सिंग का, का काम करते हुए 14 फरवरी 2022 से इस फिल्म को काम करवाया गया था म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म का जो ओरिजिनल स्कोर है बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स का कंपोजिशन है वो अनिरुद्ध रविचंद्र ने किया हुआ है जहाँ पर वो धनुष के साथ करीबन छः साल के बाद इस फिल्म में म्यूज़िक देते हुए नजर आएंगे तो धनुष और उनके बीच में इससे पहले दो हज़ार पंद्रह के धनधंगा मगन में उन्होंने म्यूज़िक दिया हुआ था और ये उनका पांचवा कोलोब्रेशन है धनुष के साथ जहाँ पे उनका पहला कोलोब्रेशन है फिल्म के डायरेक्टर मित्रन जवाहर के साथ इस फिल्म के लिरिसिस्ट थे विवेक जहाँ पे उन्होंने ऑफिशियल अनाउंस की हुई थी कि वो इस फिल्म के गाने को लिरिक्स लिखने वाले बाद में धीरे धीरे अलग अलग, अलग लिरिसिस्ट के पास इन गानों को क्रिएट करवाया हुआ है तो टोटल आपको इस फिल्म में पांच गाने सुनने को मिलेंगे पहला गाना है थाई केलवी जिसके लिरिक्स लिखे हुए धनुष ने Dhanus, Kutta, लिए लिए सिंगर थे धनुष और एंटनी दसान दूसरा गाना है मेघम कोरकुत्ता जिसके लिरिक्स लिखे हुए धनुष ने सिंगर थे धनुष तीसरा गाना है लाइफ ऑफ पलम जिसके लिरिक्स लिखे हुए विवेक ने सिंगर थे निरुद्ध रविचंदर चौथा गाना है थिनमोली जिसके लिरिक्स लिखे हुए धनुष ने सिंगर थे संतोष नारायण पाँचवा गाना है मै कम कला कम जिसके लिरिक्स लिखे हुए धनुष ने और सिंगर थे धनुष थे इस तरह से टोटल पाँच गाने थे जिसके लेंट थी बारह मिनट और ये गाने आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली सुनने को मिल जाएंगे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जहाँ पे ये फिल्म के गाने वो ठीक ठाक थे डिसेंट थे जहाँ पे इस फिल्म के गाने उतने मज़बूत नहीं थे लेकिन फिल्म काफ़ी ज़्यादा मज़बूत थी बीजेम भी डिसेंट थी फिल्म की अब हम बात करें इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर तो धनुष ने थीलू चित्रम जूनियर का रोल प्ले किया हुआ है एलाइस पलम का रोल प्ले किया हुआ है जो शोभना का बेस्ट फ्रेंड है ट्रू लवर है और बाद में उसका हस्बैंड बन जाता है नित्या मेनन ने शोभना का रोल प्ले किया हुआ है जो पलम की बेस्ट फ्रेंड है उसके बाद में उसकी ट्रू लवर बनती है उसके बाद में वो उसकी वाइफ बन जाती है भारती राजा ने सीनियर थिरुचित्रम पलम का रोल प्ले किया हुआ है जो पलम के ग्रांड फादर है वहीं पे प्रकाश राज ने इंस्पेक्टर नीला कंडन का रोल प्ले किया हुआ है जो पलम के फादर है राशि खन्ना अनुषा के रोल में दिखाई देंगी जो पलम की फर्स्ट लव इंटरेस्ट है चाइल्ड स्कूल डेज के टाइम से इसके अलावा प्रिया भवानी शंकर रंजनी के रोल में दिखाई देंगी जो पलम की सेकंड लव इंटरेस्ट है उसके गांव के नेटिव विलेज से इसके अलावा मुसीज कांत ने इस फिल्म में सुब्बा राज का रोल प्ले किया हुआ है जो पलम के अंकल है सिरंजनी ने राजेश्वरी का रोल प्ले किया हुआ है जो शोभना की माँ है वहीं पे स्टंट सिवा को इस को इस फिल्म में चाइल्ड किडनेपर का रोल दिया गया है अर्थंगी निशा को इस फिल्म में निशा यानी कि शोभराज की वाइफ का रोल दिया गया है विजय पप्पू ने इस फिल्म में अरविंद का रोल प्ले किया हुआ है जो शोभना के यंग ब्रदर है ए रेवती ने इस फिल्म में पलम की ग्रांड मदर का रोल प्ले किया हुआ है रेवती को इस फिल्म में पलम की माँ का रोल दिया गया था जिनका एक कीम्यू अपीरियंस था तो ये फिल्म की इतनी प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने ये इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं फिल्म की कहानी काफ़ी सिंपल है वहाँ पे ज़रूर आपको थोड़ा बहुत स्क्रीन प्ले में आपको ट्विस्टांस देखने को मिलेंगे लेकिन और फिल्म को काफ़ी सिंपल मैनर में स्क्रीन प्ले में सेट किया हुआ है लेकिन स्क्रीन प्ले को जिस तरह से चलाया हुआ है वो मज़बूत था इसके ऊपर जो परफॉर्मेंसेस देखने को मिलती है धनुष की नित्या मेनन की वो काफ़ी शानदार थी सपोर्टिंग आर्टिस्ट ने भी बेकवा को भी तरीके से इन सभी किरदार को सपोर्ट दिया हुआ है तो ओवरऑल फिल्म की सब जो कास्टिंग है वो काफ़ी परफेक्ट वे में की गई थी उसकी परफॉर्मेंसेस काफ़ी बढ़िया थी डायरेक्शन मित्रनार आर जवाहर का देखने को मिलेगा जिन्होंने काफ़ी ऑन दी पॉइंट फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है फिल्म ऐसा कुछ नयापन तो नहीं है लेकिन जिस तरह से ट्रीटमेंट की हुई है जिस तरह से फिल्म को चलाया हुआ है स्क्रीन प्ले वो सभी चीज़ें फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाती है काफ़ी सारी चीज़ों को एंगेजिंग मैनर में दिखाया हुआ है ऐसा नहीं कि आपने पहले नहीं देखा है देखा हुआ है लेकिन जिस तरह से वो दिखा रहे थे कहानी को सुना रहे थे उनके नरेशन में वो दम नजर आ रहा था जिस वजह से पूरी फिल्म आपको पसंद आएगी फिल्म में कॉमेडी भी देखने को मिलेगी रोमेंस देखने को मिलेगा फैमिली देखने ड्रामा देखने को मिलेगा तो सभी का कॉम्बो काफ़ी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ है डायलॉग्स भी काफ़ी वीटी देखने को मिलते हैं प्रोडक्शन में काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलता है फिल्म के हर एक फ्रेम में काफ़ी बढ़िया तरीके से कच काम किया हुआ ऐसा नज़र आएगा सिनेमेटोग्राफी काफ़ी अच्छी थी कैमरा वर्क बढ़िया तरीके से देखने को मिलेगा एडिटिंग भी फिल्म की काफ़ी बढ़िया थी में की गई थी म्यूजिक की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर अच्छा था लेकिन सॉन्ग्स उतने अप टू द मार्क वाले नहीं सुनने को मिलते इसके अलावा इस फिल्म की जो कलर टोन है कलर ग्रेडिंग है बढ़िया है इसके अलावा फिल्म की कास्टिंग के ऊपर काम जो किया हुआ वो अच्छा है लीड एक्टर्स को जिस तरह से स्टाइलाइज किया हुआ था वो बढ़िया था साथ ही में इस फिल्म के वन लाइनर लाइनरपंच भी काफी अच्छी तरीके से डिलीवर किए गए अब बात करें इस फिल्म के रिलीज के ऊपर तो अब ये फिल्म ज़रूर देख सकते हो अच्छी खासी फिल्में अब अब बात कर लेते हैं रिलीज़ के ऊपर 18 अगस्त 2022 को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जहां पे इस फिल्म को काफ़ी लो एक्सपेक्टेशन के साथ रिलीज़ किया ऐसा मान सकते हैं क्योंकि इस फिल्म का कोई बज नहीं था मार्केट में और धनुष की काफ़ी लंबे समय के बाद ये पहली थिएट्रिकल रिलीज़ थी करीबन एक दो साल से उनकी कोई फिल्म ऐसी थिएटर में प्रॉपर वे में रिलीज़ नहीं हुई थी इससे पहले 2021 में उनकी कर्न फिल्म आई थी उसके बाद जग में थंदीराम फिल्म आई थी 2021 हज़ार इक्कीस में दो हज़ार में अतरंगी रे फिल्म आई थी वहीं पे मारन फिल्म 2022 में आई थी द ग्रे मैन फिल्म आई थी 2022 में तो ये टोटल इस फिल्म पाँच फिल्में आई थी उनकी वो डायरेक्ट ओ के ऊपर स्ट्रीम की गई थी तो ओवरऑल देखा जाए काफ़ी लंबे समय के बाद वो थिएटर में कम करते हुए नजर आते जहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस के थ्रू जिस तरह तो से फिल्म को उन्होंने बनाया हुआ है वो काफ़ी दमदार था जहाँ पे 18 अगस्त जब 2022 को फिल्म को रिलीज़ किया गया तब बिना एक्सपेक्टेशन के साथ बहुत कम बस चल रहा था मार्केट में फिल्म को रिलीज़ किया गया लेकिन फिल्म ने जो दमदार कलेक्शन किया हुआ है वो काफिले तारीफ है फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ इतना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ निकल के आया है जिसके चलते ये फिल्म हर दिन बढ़िया कलेक्शन करती रही और काफ़ी लंबे समय तक काफ़ी लंबा रन लेने के बाद फिल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन करते हुए एक प्रॉफिटेबल वेंचर फिल्म साबित हुई जहाँ पे बॉक्स ऑफिस पे एक ब्लॉकबस्टर का टेग लेने में कामयाब रही इस फिल्म को कॉमिडी पे करीबन छत्तीस सौ वोट मिले हुए जिसमें आठ पॉइंट दो की रेटिंग हासिल हुई है दस में से इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म को कितना पॉजिटिव साइड में रिस्पांस मिला हुआ था अब हम बात करें इस फिल्म के बजट के ऊपर तो तीस करोड़ का बजट लगाया हुआ है उसके सामने फिल्म ने धमाका करते हुए बॉक्स ऑफिस पे करीबन सौ करोड़ के आसपास का क्रॉस कलेक्शन किया हुआ है सौ करोड़ के ऊपर के आसपास का तो इसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बॉक्स ऑफिस पे 100 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ है फिल्म ने और ये तमिलनाडु की 2022 में जितनी भी फिल्में रिलीज़ हुई है उसमें वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में से एक फिल्म साबित हुई पहले दिन फिल्म को करीबन नौ करोड़ की ओपनिंग मिली हुई थी धनुष के स्टारडम के हिसाब से उसके बाद में इस फिल्म को डे बाय डे पॉजिटिव रिस्पांस के चलते दूसरे दिन भी अच्छी खासी ओपनिंग मिली तो दो दिनों में इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बीस करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया पहले दिन सिर्फ तमिलनाडु से ही छः करोड़ का कलेक्शन निकल के आया था तीन दिनों का जो कलेक्शन था वीकेंड कलेक्शन वो करीबन तैंतीस करोड़ के आसपास का बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन निकल के आया हुआ था और उसके बाद में इस फिल्म ने जिस तरह से जिस कदर कलेक्शन किया वो काबिल तारीफ था उसके बाद में तो इस फिल्म ने पचास करोड़ का भी क्रॉस मार्क हासिल किया उसके बाद में नौवे दिन फिल्म ने करीबन चौंसठ करोड़ तक का ग्रोस कलेक्शन कर लिया था तेरहवें दिन तक फिल्म ने सौ करोड़ का मार्क हासिल करते हुए करीबन एक सौ दस करोड़ के ज़्यादा का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन किया और वन ऑफ दी हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म साबित हुई दो हज़ार बाईस की तमिल लैंग्वेज के लिए और साथ ही में धनुष के करियर की भी शायद सेकेंड या थर्ड हाएस्ट ग्रोसिंग ऐसी फिल्म साबित हुई जिसने सौ करोड़ के पार का कलेक्शन करके दिखाया तो अब इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म कितनी बड़ी हिट साबित हुई थी बॉक्स ऑफिस पर कितना धमाका मचाया था तो अगर आपको अब ये फिल्म देखनी है तो कहाँ पे देख सकते हो उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं इस फिल्म के जो ओ टी टी राइट्स है सेटेलाइट राइट्स से, है वो दोनों राइट्स सन नेटवर्क ने अपने पास ही रखे हुए वही इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं जहाँ पे टीवी के राइट्स तो प्योरली उनके पास है लेकिन ओ टी टी राइट्स है वो उन्होंने नेटफ्लिक्स के साथ टाइप किया हुआ है तो ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर और सन नेक्स्ट ये दो ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर एक साथ देखने को मिलेगी जहाँ पे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन ये फिल्म थिरु चित्रम्बलम के नाम के साथ तमिल वर्जन में भी इंग्लिश सबटाइटल देखने को मिलेगी वहीं पे टेलीविजन के ऊपर सन टीवी के टेलीविजन चैनल के ऊपर ये फिल्म तमिल वर्जन में आपको थिरु चित्रम्बलम के नाम के साथ बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि इस फिल्म का जो तमिल वर्जन है वो आपको थिरुचित्रम बलम नाम के साथ ओ टी टी प्लेटफॉर्म सन नेक्स्ट एप्लीकेशन और नेटफ्लिक्स के ऊपर एक साथ में देखने को मिलेगी दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर आप इन्जॉय कर पाओगे जहाँ पे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन इस फिल्म को अवेलेबल किया हुआ है वहीं पे हिंदी वर्जन सॉरी वहीं पे इस फिल्म के टेलीविजन वर्जन को सन टीवी के ऊपर आप आप इन्जॉय कर पाओगे वहाँ पे इस फिल्म को थिरुचित्रम बलम नाम के साथ अवेलेबल किया हुआ है तो वहाँ पर फिल्म प्रीमियर करवाई जाएगी बिल्कुल फ्री में हिंदी वर्जन के जो राइट्स है वो शायद तक पता चला हो कि शायद आर के दोगल स्टोडियो या गोलमैंस खरीद सकती है लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि गोलमैंस के पास इस फिल्म के राइट्स हो सकती है लेकिन अभी तक कोई प्रॉपर कन्फर्मेशन नहीं मिली है लेकिन जैसे ही कन्फर्मेशन मिलेगी वो अपडेट हम आपको दे देंगे लेकिन फिलहाल में ये फिल्म अगर गोलमैंस के पास है तो ये फिल्म को जल्दी डब करवाया जाएगा उसके बाद सेंसर करवाया जाएगा उसके बाद में गोलमैंस के टेलीविज़न चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा उसके लंबे समय के बाद ही ये फिल्म आपको यूट्यूब पे ऑफिशियली गोलमैस के यूट्यूब चैनल के ऊपर हिंदी डब्ड वर्जन में भी इंग्लिश सब फ्री में देखने को मिलेगी तो इस तरह से थिरुचित्रम बलम फिल्म आपको ऑफिशियली हिंदी तेलुगु दोनों वर्जन में देखने को मिल सकती है तो बस गए इस फिल्म के रिगार्डिंग जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थे वो मैंने शेयर कर दिए फिल्म कहाँ पे कैसे फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी उसकी जानकारी दे दिए फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी हुई है फिल्म का एक डीप रिव्यू किया हुआ है जहाँ पे स्टोरी के ऊपर एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन की हुई है उसका एक एनालिसिस किया हुआ है स्टार कास्ट सपोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत की हुई है टेक्निकल डिपार्टमेंट म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर भी बातचीत कर ली है तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना ना भूलेगा थैंक यू